हेलो एवरीवन, मायसेल्फ प्रमोद ढाका, टीम फिजिक्स सीएलसीसी कर। तो डियर, इस सेशन में हम आपके लिए जेई मेंस के 2019, 2020 और 2021 में जो फेब और मार्च अटेम्प्ट के पेपर्स हुए हैं उनको टॉपिक वाइज लेकर आए हैं। जैसे इसमें टोटल हमने फिजिक्स को 16 टॉपिक्स में डिवाइड किया है, जिनमें से फर्स्ट टॉपिक जो है वो वेक्टर वन डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन है। ओवरऑल बोले तो वेक्टर और काइनेमेटिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन 2019, 20 और 21 के दो अटेम्प्ट्स में आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने इसमें रखे हैं। देखो, ये क्वेश्चंस जो हैं एक किसी भी चैप्टर को थोरोली रिवाइज करने के लिए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स चाहिए होती हैं डिफरेंट वेराइटीज की। तो इतने सारे पेपर्स हो चुके हैं जेई मेंस के, तो उनमें बहुत अच्छी वैरायटी है। मतलब आपको चैप्टर रिवाइज करना है तो पहला सजेशन शायद अब यही जाता है कि जेई मेंस के पेपर निकाल लिए जाएं तो बेस्ट रहेगा। तो ये मैं कहूँ जेई मेंस और नीट दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि नीट के पेपर में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जेई मेंस के क्वेश्चन जो हैं वो डिट्टो आए हैं। तो एक दफा नीट के स्टूडेंट्स को भी ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो करने चाहिए। तो चलिए सर, हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि इन द क्यूब ऑफ साइड स्मॉल ए शोन इन द फिगर, द वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस ए बी ओ डी टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस बी ई एफ ओ विल बी। मतलब मेरे पास एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ ए है, और इधर वाला ये जो फेस है ना डियर, इसके इस फेस से, और दूसरा जो फेस मेरे पास है दैट इज बी ई एफ ओ, ये वाला जो फेस है इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं तो उस डायरेक्शन में मेरे को वेक्टर चाहिए। चलिए सर, अपन स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखो डियर, सबसे पहले अपन यदि एक्सिस की बात करते हैं तो मेरे को जो गिवन एक्सिस है, जैसे इधर वाली डायरेक्शन जो है ये एक्स एक्सिस है, इधर वाली डायरेक्शन वाई एक्सिस है, और इधर वाली डायरेक्शन जेड एक्सिस है। एक फेस तो मेरा यहां पर है, तो इसके मिड पॉइंट की बात करनी है। देखिए, इसके मिड पॉइंट पर रीच करना है आपको, तो मैंने कहा सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलोंग ए बाई टू मूव करेंगे, फिर जेड एक्सिस के अलोंग ए बाई टू मूव करेंगे। तो इस पॉइंट का जो पोजिशन वैक्टर है या कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूं, दे विल बी ए बाई टू कोमा जीरो कोमा में ए बाई टू। सिमिलरली मैं इधर वाले फेस की बात करूं तो इस वाले फेस का जो मिड पॉइंट है आपको उसको उस पर रीच करना है, तो a by 2 y एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे, फिर a by 2 z एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा 0, a by 2, a by 2। बोलो ठीक भाई, इसको मैं 1 कह दूं, इसको मैं 2 कह दूं, तो पॉइंट 1 का जो पोजीशन वेक्टर मेरे पास आ रहा है दैट इज कमिंग एज a by 2 i कैप प्लस a by 2 k कैप, और पॉइंट 2 का पोजीशन वेक्टर जो मेरे पास आ रहा है दैट इज कमिंग एज a by 2 j कैप प्लस a by 2 k कैप, और आई हैव टू कैलकुलेट दैट r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। पोजीशन वेक्टर चाहिए इसके मिड पॉइंट का, इसके मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में दैट वैल्यू कम्स एज a by 2 j कैप माइनस में i कैप। ये अपने पास पोजीशन वेक्टर आ गया इस फेस के मिड पॉइंट का इसके मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में। बोलो ठीक है। तो सर, यहां से यदि अपन करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो बेटा फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। बोलो सेट। चलो तो फिर आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, 2 में कहा गया है दैट टू फोर्सेस P एंड Q ऑफ मैग्नीट्यूड 2F एंड 3F रेस्पेक्टिवली आर एट एंगल थीटा विद ईच अदर। इफ द फोर्स Q इज डबल्ड देन द रिजल्टेंट आल्सो गेट्स डबल्ड देन द एंगल थीटा इज। कि दो फोर्सेस है 2F और 3F और उनके बीच है एंगल थीटा, तो मैंने कहा रिजल्टेंट आर की वैल्यू जो आएगी दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 4f स्क्वायर प्लस 3f स्क्वायर दैट इज 4f स्क्वायर प्लस 3f का स्क्वायर करेंगे 9f स्क्वायर, सो दैट वैल्यू कम्स एज 13f स्क्वायर। 2f का स्क्वायर 4f स्क्वायर, 3f का स्क्वायर 9f स्क्वायर। तो अपन यही लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, तो प्लस में ट्वाइस ए बी किया तो दैट इज 6f कॉस थीटा। तो ये वाली वैल्यू जो मेरे पास आ रही है रिजल्टेंट आर की दैट इज अंडर रूट में 13f स्क्वायर प्लस 12f स्क्वायर cos थीटा। अब क्वेश्चन में डियर आगे ये कहा गया है कि यदि q के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया जाए तो रिजल्टेंट डबल हो जाता है, तो q जो है वो क्या है? बोले जी साहब 3f है। डबल किया मतलब अब 2f और 6f के अकॉर्डिंग सोचना है।
तो रिजल्टेंट जो हो गया वो बन गया 2R, दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, 4F स्क्वायर प्लस 36F स्क्वायर, दैट वैल्यू कम्स एज 40F स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इनटू बी, 2F इनटू 6F, दैट इज 12F स्क्वायर साथ में cos थीटा। अब एक काम करते हैं, यहां से इस R की वैल्यू इसमें उठा के रख देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। जैसे ही आप करेंगे वैल्यू आपके पास आई दैट 4R4, और r स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, इट इज 4, r स्क्वायर इज डियर 13f स्क्वायर प्लस 12f स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया 40f स्क्वायर प्लस 24f स्क्वायर cos थीटा। तो ये बना 52, ये 40, तो इट इज 12f स्क्वायर, ये वाला डाटा 48, ये 24, सो इट इज माइनस 24 cos थीटा। तो यहां से मेरा cos थीटा जो आ रहा है, f स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 cos थीटा into f स्क्वायर, f स्क्वायर सही हो गया। cos थीटा की वैल्यू जो आ रही है बेटा, that value is coming as minus 1/2। अब cos थीटा minus 1/2 किसके corresponding होता है, that is corresponds to the angle 120 degree, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो मेरे पास है that is the second one। बोलिए ठीक। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3 में वेक्टर का एक क्वेश्चन है कि दो वेक्टर ए और बी जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज एन टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। देखिए कई दफा इस क्वेश्चन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आर इज इक्वल टू 2x cos थीटा बाई 2, सब एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में 2x sin थीटा बाई 2 रखकर सोल्व करते हैं, तो क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी आ जाती है, इजीली सोल्व नहीं होता। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन नॉर्मल फॉर्मूला बेसिस पर बात करते हैं कि यदि मैं एडिशन की बात करता हूं उसको मैं कह देता हूं रिजल्टेंट R1, तो एडिशन का जो रिजल्टेंट होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos थीटा होता है, a और b दोनों के प्लेस पर x पुट कर दें। देखो बेटा ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये 2x x into x दैट इज 2x स्क्वायर, तो दिस वैल्यू इज अंडर रूट में 2x स्क्वायर साथ में 1 प्लस cos थीटा डालो, बोलो यस और नो। फिर दूसरा कि जब मैं सबट्रैक्शन की बात करता हूं, लेट्स सपोज द रिजल्टेंट इज R2, उसकी वैल्यू मेरे पास यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab cos थीटा, यही तो आती है, तो वैल्यू जैसे ही रखकर सोल्व करते हैं तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आती है अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। बोला ये गया है कि डियर इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका मैग्नीट्यूड r1 का मैग्नीट्यूड n टाइम्स ऑफ r2 है, r1 इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ r2, दैट वैल्यू कम्स एज 2x स्क्वायर कॉमन डाला साथ में 1 प्लस cos थीटा, स्क्वायर कर लिया अपन ने ना, इधर n स्क्वायर आया साथ में 2x स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। अब देखो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर तो सही हो गया सिंपली, तो इधर 1 प्लस cos थीटा एंड हियर इट इज n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos थीटा, तो n स्क्वायर cos थीटा को तो लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, ये cos थीटा पहले से है तो cos थीटा कॉमन, 1 प्लस n स्क्वायर डल गया, और इधर वाला टर्म जो है दैट इज n स्क्वायर माइनस में 1, सो cos थीटा की वैल्यू मेरे पास इस वाले केस में जो निकल कर आ रही दैट इज n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1, सो वी से थीटा कम्स एज cos इनवर्स n square minus 1 divided by n square plus 1. This will be the angle between two vectors in this case. So, first one is the correct answer. Bole theek? Chaliye sir, aage badhate hain. 3 ke baad question number 4 ki baat karte hain. Dekhe, 4th mein kaha gaya hai ki do vectors hain a aur b, jinke magnitude 3 aur 5 hai. Aur a plus b ka resultant apne paas 5 hai. Apne se kuch value puchhi gayi hai. Dekhe, A1 प्लस A2 का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, यदि मैं उसको लिखना चाहूं तो सजा के अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इट इज अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos थीटा, और A1 A2 cos थीटा जो है इसको सजा के अपन लिखना चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं दैट इट इज A1 डॉट A2, भाई दो वेक्टर्स A डॉट B की वैल्यू किसके इक्वल होती है, इट इज AB cos थीटा, तो A1 डॉट A2 A1 A2 cos थीटा, दिस वैल्यू कम्स एज 5, स्क्वायर करो, दिस वन इज 9, दिस वन इज 25 प्लस में ट्वाइस a1 डॉट a2, दैट वैल्यू इज 25, 5 का स्क्वायर, इधर से 25 और इधर से 25, ये तो सही हो गया, सब a1 डॉट a2 की वैल्यू जो बच रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज माइनस में 9/2, बोलो सेट है। अच्छा अब अपन अपनी इक्वेशन को सोल्व करते हैं, देखिए जो गिवन इक्वेशन है उसके बेसिस पर 2a1 और 3a1 इसको मल्टीप्लाई किया तो इट इज 6a1 स्क्वायर, a2 वाले में करें 3 और तो 6a2 स्क्वायर, फिर a1.a2 में ये तो आएगा 3 into 3 दैट इज 9 और ये वाला डाटा आएगा 4, तो बच गया कितना 5a1.a2, बोलो ठीक है क्या। अच्छा जी वैल्यू पुट करते हैं बेटा,
6, a1 square is 9, minus में 6, a2 square is 25, plus में 5, a1 dot a2 is minus 9 by 5 तो रह गया साथ में और minus 9 by 2 टिक गया। जैसे वैल्यू रखोगे दिस इज 54, दिस इज 150, 54 प्लस में 150 माइनस में, सो दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ 96, माइनस में दिस वैल्यू इज 45 by 2, दैट इज 22.5। यहां से ऐड कर लो, जैसे ऐड करोगे दिस वैल्यू कम्स एज माइनस 118.5। सो डियर, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। बोले सेट, पक्का? चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। फोर्थ के बाद नेक्स्ट वाले की बात करें, the next one is question number 5. देखिए डियर क्या कहा गया है कि that the sum of two forces P and Q is R and such that R का magnitude P के equal है। देखिए जब भी इस टाइप का वेक्टर का क्वेश्चन मिलता है ना, मैग्नीट्यूड वाली बात होती है, तो एक दफा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला रख के देखो। R का मैग्नीट्यूड P के equal है, then I say that R square is equals to P square plus Q square plus में 2 PQ cos theta। बोलो ठीक है क्या? अच्छा, अब देखो R और P तो equal है, तो ये तो सही हो गया। ये q square उधर गया तो किसके साथ जाएगा? माइनस q square के साथ जाएगा, and this value is 2 pq cos theta। तो यहां से डियर cos theta जो मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल आ रहा है, वो एंगल निकल कर आ गया मेरे पास सीधा सीधा कि that angle is minus q divided by 2p। बोलो ठीक? अच्छा, अब आगे आओ जरा। The theta is that resultant of 2p and q। यदि 2p तथा q को जोड़कर मिलाने वाला परिणाम q से थीटा कोण बनाता है, तो थीटा का मान होगा, अपन यहां पर एक काम कर लेते हैं, इसको फाई ले लेते हैं ना, इन दोनों के बीच एंगल जो है फाई। अब मेरे को 2p और q के रिजल्टेंट का, इधर q मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया p का, 2p कर दिया, एंड लेट सपोज ये वाला एंगल तो वैसे ही फाई है, जिस cos फाई की वैल्यू है, इन दोनों का रिजल्टेंट ऑब्वियसली कहीं से बीच से कुछ इस टाइप से निकल कर आएगा R1, और ये वाला एंगल लेट सपोज अल्फा है, मुझे इस अल्फा की वैल्यू बतलानी है, तो ये अल्फा किसके इक्वल होता है? साफ साफ मेरे को पता है सर कि ये अल्फा की वैल्यू जो है, टेन अल्फा की वैल्यू 2p साइन फाई डिवाइडेड बाई q प्लस 2p कॉस फाई के इक्वल आएगी क्या? देखो डायग्राम बना लो सीधा सीधा ना, बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे? q तो इधर है, 2p इधर है, तो आप 2p के जब कंपोनेंट्स डालोगे तो ये वाला तो डलेगा 2p cos phi। बोलो सही है क्या? और ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट डलेगा 2p sin phi। अच्छा जी साहब, तो ये मेरा रिजल्टेंट r1 इधर आएगा कुछ ऐसा, ये वाला एंगल अल्फा, सो इट इज दिस डिवाइडेड बाय दिस साइड। तो जैसे ही अपन ने किया, अब देखो q plus 2p cos phi, यहां से भी आप सीधा सीधा रख सकते हो, cos phi की वैल्यू माइनस q by 2p, जैसे यहां पर रखोगे ये वाला डाटा मेरे पास बन गया 2p sin phi divided by q minus में 2p cos phi की वैल्यू माइनस q के इक्वल है, ये कैंसिल आउट हो गया, दिस वैल्यू बिकम्स 1 by मतलब 2p sin phi divided by 0। जैसे ही 0 मतलब 1 by 0, दैट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड दैट मींस दैट एंगल इज व्हाट 90 डिग्री। तो इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर अपने पास आएगा, दैट इज 90 डिग्री, दैट मींस द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर विद, रिजल्टेंट जो है वो डियर क्यू के परपेंडिकुलर होगा। बोलो सेट है? चलिए जी सर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सर, 6 में क्या कहा जा रहा है कि इन ए कार रेस ऑन ए स्ट्रेट रोड, कार ए टेक्स स्मॉल टी टाइम लेस देन कार बी एट द फिनिश एंड पासेस फिनिशिंग पॉइंट विद स्पीड वी मोर देन दैट ऑफ कार बी। ओके, both the cars start from the rest and travels with a constant acceleration a1 and a2 respectively, then the value of v is equal to, dekhi question kuch aisa hai ki ek race hai na aur ye starting point, obviously starting point par dono ki velocity kitni hogi, zero। acha, ye car a ja rahi hai, ye car b ja rahi hai, yadi main isko kahun ki sahab isko laga capital t time car b ko, to a ko usse small t time kam lag raha hai, so this value is capital t minus small t। उसके बाद यदि इसकी स्पीड कैपिटल वी है, तो बिटू इसकी स्पीड कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी है, जो थोड़ा लहराता हुआ वी लिखा हुआ है ना, इसकी स्पीड मेरे पास कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी है और इसकी स्पीड मेरे पास कैपिटल वी है, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल की, उसको टाइम कम लगा और एंड पॉइंट पर उसकी स्पीड ज्यादा है, तो मैंने कहा देखो इसके लिए जो इक्वेशन लिखी जा सकती है एस की, वो एक तो लिखी जा सकती है हाफ ए टू इनटू में टी स्क्वायर, और ऊपर वाले के लिए वही डिस्टेंस की जो इक्वेशन लिखी जा सकती है वो हाफ ए वन
साथ में कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी का स्क्वायर लिखी जा सकती है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हाफ ए टी स्क्वायर होता है, नीचे वाले को टाइम कैपिटल टी, ऊपर वाले को कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी। बोला गया क्वेश्चन में कि टी टाइम कम लग रहा है, डिस्टेंस तो बराबर ही है ना, ये तो कैंसिल आउट हो गया। एक इक्वेशन तो आपके पास निकल कर आ गई, ए टू इंटू कैपिटल टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन इंटू में कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी का स्क्वायर, पहला इक्वेशन बन गया, सेट है। अच्छा दूसरे की बात करते हैं, देखो वेलोसिटी की बात करें, ऑब्वियसली स्टार्टिंग पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो, स्टार्ट रेस स्टार्ट कर रहे हैं तो फिनिश स्टार्टिंग पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी तो है, पीछे से दौड़ता आ रहा है भाग के चला गया, नहीं ऐसा तो होगा नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों की वेलोसिटी कितनी, जीरो। तो इसके लिए जो इक्वेशन लिखी जाएगी बी के लिए, वी इज इक्वल टू इट इज ए टू इंटू में कैपिटल टी, और उसके लिए जो इक्वेशन लिखी जाएगी दैट इज कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी दैट इज ए वन इंटू में कैपिटल टी माइनस में स्मॉल टी। देखो अब यदि अपन इसमें आंसर देखते हैं ना, तो स्मॉल वी की वैल्यू ए वन ए टू और स्मॉल टी में है, यहां से मैं कैपिटल वी जो है वो अपन ने माना हुआ डाटा था, कैपिटल टी अपना माना हुआ डाटा है ना, यदि मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो स्मॉल वी की वैल्यू मेरे पास ए वन इंटू कैपिटल टी माइनस में स्मॉल टी माइनस में ए टू इंटू कैपिटल टी के इक्वल आ रही है, बोलो हाँ कि ना, बोला आ रही है। अब देखो इसमें एक ही डाटा बचा है कैपिटल टी, इफ एनी हाउ कैपिटल टी की वैल्यू ए वन ए टू और स्मॉल टी की टर्म्स में मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, और वो मेरे को कहीं यहां से टूटी हुई दिख रही है। एक काम करो जरा स्क्वायर इस इक्वेशन का अंडर रूट ले लो, तो रूट ए टू इंटू कैपिटल टी इज इक्वल टू रूट ए वन इंटू कैपिटल टी माइनस में रूट ए वन इंटू स्मॉल टी, बोलो सही। कैपिटल टी की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन से मैंने सोल्व कर ली साहब, रूट ए वन इंटू स्मॉल टी डिवाइडेड बाई रूट ए वन माइनस में रूट ए टू, और ये कैपिटल टी की वैल्यू मैं उठाकर इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, जैसे ही पुट करूंगा मेरे पास शायद आंसर आ जाए। चलिए सर चेक करते हैं, वी इज इक्वल टू दिस इज ए वन, इसको थोड़ा सा एक बार सजा के लिख लेते हैं, ए वन माइनस ए टू इंटू कैपिटल टी माइनस में ए वन इंटू स्मॉल टी, देखो ताकि अब कैपिटल टी की जगह वैल्यू रख दें। अब इसके साथ भी थोड़ा सा खेलेंगे अपन, इसको अपन ऐसे लिख देंगे रूट ए वन माइनस रूट ए टू इंटू में रूट ए वन प्लस रूट ए टू, और कैपिटल टी के प्लेस पर अपन ने रख दिया रूट ए वन इंटू स्मॉल टी डिवाइडेड बाई रूट ए वन माइनस रूट ए टू, साथ में माइनस ए वन इंटू टी, और रूट ए वन माइनस रूट ए टू से रूट ए वन माइनस रूट ए टू, ये तो सही हो गया साहब। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो उसको रूट ए वन माइनस रूट ए टू को रूट ए वन माइनस रूट ए टू इंटू रूट ए वन प्लस रूट ए टू लिख दिया, रूट ए वन माइनस रूट ए टू से ये तो कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई कर लो साहब, क्या आ रहा है ए वन इंटू स्मॉल टी प्लस में रूट ए वन इंटू ए टू इंटू स्मॉल टी माइनस में ए वन इंटू स्मॉल टी। अब ए वन इंटू स्मॉल टी से ए वन इंटू स्मॉल टी तो गया, और स्पीड जो अपने पास निकल कर आ रही दैट इज रूट ए वन ए टू स्मॉल टी, बोलो सेट है क्या सर, स्मॉल वी की वैल्यू अपने पास सोल्व करके आ गई, दैट वैल्यू इज अंडर रूट ए वन ए टू स्मॉल टी, वही तो अपने पास आंसर में है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो सेम टू सेम ऐसा ही तो है बेटा, तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर सेवन। देखिए सेवंथ में क्या कहा गया है, दैट अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम पॉइंट ओ फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके आइडेंटिफाई ऑल द फिगर्स दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन क्वालिटेटिवली, ओके मतलब एग्जैक्टली स्केल के अकॉर्डिंग तो बात नहीं करनी है। यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देखो समझो जरा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन का प्लॉट सही है, वेलोसिटी के प्लॉट की बात करें तो बिल्कुल सर वेलोसिटी का प्लॉट जीरो से शुरू करता है, तो अब मेरे को पोजीशन के बारे में बात करनी है। यदि आप पोजीशन के बारे में बात करोगे, देखो पहले एक्सीलरेशन जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वेलोसिटी भी ऐसी, तो पोजीशन जो है मतलब वेलोसिटी जीरो से शुरू कर रहा है, और जीरो से शुरू कर रहा है तो एक्स की वैल्यू सीधा सीधा किसके अकॉर्डिंग आएगी, हाफ ए टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग आएगी, तो इसमें जो पैराबोला का मुंह है वो किसकी तरफ खुलेगा, प्लस एक्स की तरफ खुलेगा, प्लस एक्स की तरफ खुलेगा। इसका मतलब डियर एक तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, और एक डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो अपन करेक्ट आंसर की बात करें तो डियर सेकंड वन जो आ रहा है वो अपना करेक्ट आंसर है। तो सीधा सीधा है कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, कॉन्स्टेंट है, तो स्पीड इंक्रीज करेगी, जीरो से मानी गई है। ऐसा भी हो सकता था कि ग्राफ ऐसा दे दिया जाए, आपका सवाल ऐसा था कि सर ऐसा क्यों नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटा, इनके इन्होंने इसके अकॉर्डिंग दिया तो इसके अकॉर्डिंग आंसर मैच तो कर रहा है ना यार, बोलो ठीक पक्का। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं, सेवंथ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें डियर, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर एट। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है दैट पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन बाय, कि एक पार्टिकल के पोजीशन इस फंक्शन ऑफ टाइम में इस इक्वेशन से गिवन है, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट्स व्हेन द पार्टिकल अटेंस जीरो एक्सीलरेशन देन इट्स वेलोसिटी विल बी, कि जब इसका एक्सीलरेशन जीरो होता है ना,
तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। मैंने कहा साहब देखो ये पोजिशन की इक्वेशन दे रखी है कि x इज इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर माइनस में सी टी क्यूब है ना, मेरे को वेलोसिटी चाहिए तब एक्सीलरेशन जीरो है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं पहले डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालो फिर एक्सीलरेशन निकालो। तो वेलोसिटी की वैल्यू तो मेरे पास आ जाएगी a प्लस टू बी टी माइनस में थ्री सी टी स्क्वायर, और एक्सीलरेशन की बात करते हो तो लेट्स डिफरेंशिएट इट। एक दफा जैसे डिफरेंशिएट किया ये जीरो हो गया, ये वाला मेरे पास आया 2b और ये वाला मेरे पास आ गया माइनस में 6 सी टी। और मुझे उस पर्टिकुलर देखो मैंने एक्सीलरेशन को यहाँ f लिखा है क्योंकि a मेरे पास पहले से डोल रहा है यार, है ना, तो फिर उसको एक्सीलरेशन में नहीं लेते, कंफ्यूजन वाली सी बात हो जाएगी। अपन ने f लिख दिया और उसको जैसे जीरो के इक्वल पुट किया, मतलब वो इंस्टेंट कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कि कब कब उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा। बोले b बाई 3c पर होगा। अब ये वाले टाइम पर वेलोसिटी चाहिए तो इसमें पुट कर दो, तो वेलोसिटी की वैल्यू जो मेरे पास आई वी दैट इज a प्लस 2b इंटू में b बाई 3c माइनस में 3c इंटू में b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9c स्क्वायर। जैसे स्क्वायर किया देखो एक c से ही हो गया, ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ। दिस वैल्यू इज a प्लस में 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3c माइनस में इधर वाला डाटा आ रहा है मेरे पास b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3c। देखो 2b स्क्वायर बाई 3c और b स्क्वायर बाई 3c क्या बचा साहब, बोले b स्क्वायर बाई 3c बच गया, तो वैल्यू आ गई मेरे पास a प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3c, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। बोलो सेट। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 8th के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है दैट अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v इज इक्वल्स टू b रूट x अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस, कैलकुलेट स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल्स टू tau। टाइम t इज इक्वल्स टू tau पर मेरे को पार्टिकल की स्पीड बतलानी है। इक्वेशन दी हुई है, अच्छा साहब ओरिजिन से शुरू कर रहा है। देखो क्या करेंगे, v को सबसे पहले dx by dt लिख दो। जैसे dx by dt लिखा, यहां से मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी x और t में इंटीग्रेट करने पर, उसको डिफरेंशिएट करने ते ही इक्वेशन b और v और t में आ जाएगी। तो जैसे ही आप यहां से सोल्व करेंगे इट इज dx अपॉन रूट x is equals to b dt, let's integrate it, 0 to x, let's integrate it, 0 to t, so it is 2 root x is equals to b t, अच्छा, तो मैंने कहा साहब x की value जो है वो v square t square divided by 4 आ गई अपने पास, ये x की value आ गई। जैसे ये x आया मेरे को speed चाहिए, तो v is equals to b square t divided by 2। अब b स्क्वायर t डिवाइडेड बाय 2 और किस इंस्टेंट पर चाहिए, जब टाइम t की वैल्यू tau के इक्वल है। जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे स्पीड b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी b स्क्वायर tau डिवाइडेड बाय 2। बोलो सेट है क्या, अरे पक्का बढ़ाएं आगे। चलिए 9th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है ना, मतलब उलझा हुआ सा है और ट्रिक वो पकड़ में आ जाएगी, इस तरीके से चलेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन में कहा गया है द डिस्टेंस x कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन वन डाइमेंशनल मोशन वैरीज विद टाइम एज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर प्लस ट्वाइस bt प्लस c इफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन x एज x रेज टू द पावर माइनस n वेयर n इज एन इंटीजर द वैल्यू ऑफ n इज n की वैल्यू बतलानी है। मैंने कहा साहब देखो x स्क्वायर की इक्वेशन ये दी गई है, तो मेरे पास x जो है वो डियर अंडर रूट में 80 स्क्वायर प्लस में ट्वाइस बी टी प्लस सी के इक्वल आएगा। बोलो सही है, बोले जी ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगी, एक दोबारा डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन आएगा। चलिए कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। मैंने कहा v इज इक्वल टू dx बाई dt, इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी टी प्लस सी, फिर चैन रूल लगा के दोबारा से करेंगे इन साइड में, दैट इज 2 a 2 80 प्लस 2 b। अब देखो बेटा ये दो तो हो गया सही, वेलोसिटी की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट इज कमिंग एज 80 प्लस बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस में 2 बी टी प्लस सी। अच्छा अब मैंने क्या एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या होता है, बोले जी वो डीवी बाई डी टी होता है, वो डीवी बाई डी टी होता है। तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर मारो, जैसे डिनोमिनेटर का स्क्वायर मारोगे इट इज 80 स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी टी प्लस में सी। अब क्या डिनोमिनेटर अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी टी प्लस सी प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो इट इज ए माइनस में न्यूमरेटर इट इज 80 प्लस बी,
डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. देखो डिनोमिनेटर को इसको डिफरेंशिएट करने पर ही तो ये आया था, तो दोबारा करने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा लिख दो साहब, इट इज 80 + b डिवाइडेड बाई रूट ओवर 80² + 2bt + c. बोलो सेट है क्या? देखो बस इसी में डर लगता है. डरने वाली क्या बात है, पहले कर ही चुके ना अपन. तो हमने कहा f की वैल्यू जो आई, देखो ये तो साहब पड़ा हुआ है ad² + 2bt + c, और ये और इसके डिनोमिनेटर में ये इसके डिनोमिनेटर में LCM लिया तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये हाफ पावर और ये हाफ पावर, पावर कितनी वन, तो एक के साथ मेरे पास 80² - 2bt + c बच गया. बोलो सेट है. अच्छा, और इधर मेरे पास 80 + b² बच गया. अब देखो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है, बोले 3/2 है. चलिए सर स्क्वायर कर देते हैं. तो f की वैल्यू जो मेरे पास आई, देखो कितनी आ रही है, सॉरी स्क्वायर क्या सोल्व कर लेते हैं आगे. इट इज a² t² + 2ac + ac. अब उधर इसका स्क्वायर करना है तो a² t² - b² - 2ab t डिवाइडेड बाई, देखो ये वाला जो डाटा है इसकी पावर 3/2, इसकी पावर 1/2 x के इक्वल है, मतलब क्यूब किया हुआ इसका, सो दिस वैल्यू इज x क्यूब. देखो a² t² - a² t² - 2ac b t कैंसिल आउट हो गया, तो न्यूमरेटर में बचा ac - b² और डिनोमिनेटर में बचा x क्यूब. a कांस्टेंट, c कांस्टेंट, b कांस्टेंट, t नहीं आना चाहिए था, मुद्दा केवल इतना ही है. और आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो 1/x³. बोले साहब उसकी पावर जो है, क्वेश्चन में कहा गया है दैट इट इज प्रोपोर्शनल टू x^-n, सो वी से n की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने पर 3 आ रही है. बोलो सेट पक्का. चलो डियर आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11. देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये AI-EEE के एग्जाम में पहले भी आ चुका है, मतलब मैंने वही कहा ना रिपीटेंसी होती है क्वेश्चंस में. आप पिछले 3 सालों के JEE Mains के पेपर कर लेते हैं तो किसी भी चैप्टर का थ्रू आउट चैप्टर जो रिवीजन है ना प्रॉपर, वो आपका हो जाएगा, सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे जहां जहां से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो चैप्टर रिवाइज करने के लिए JEE Mains के पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक लेवल पर मतलब मेंस और नीट दोनों के लिए बहुत अच्छा रिवीजन होता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं. दैट ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल्स टू ky i कैप + kx j कैप, पर k इज ए कांस्टेंट, द जनरल इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ इज, इसके पाथ की जनरल इक्वेशन पूछी गई है. वेलोसिटी आपको दी गई है साहब, इट इज ky i कैप + kx j कैप. बोलो ठीक. मैंने कहा देखो ऐसा है, वेलोसिटी है तो उसमें एक एक्स कंपोनेंट है और एक वाई कंपोनेंट है, तो सबसे पहले तो मैंने इसको लिखा vx i कैप + vy j कैप. अब एक्स और वाई कंपोनेंट है तो एक्स वाले को क्या लिखते हैं, बोला dx/dt. तो dx/dt तो यहां से ky के इक्वल हो गया, कंपेयर कर लेते हैं, और dy/dt जो है वो kx के इक्वल हो गया. बोलो हाँ कि ना, पक्का. एक काम करो खट से डिवीजन मार दो, जैसे डिवीजन मारा वैल्यू आ गई मेरे पास dy/dx, दैट वैल्यू कम्स एज x/y. देखो अब तो सोल होता सा दिख रहा है कि y/dy comes as x/dx. Let's integrate it. जैसे इंटीग्रेट किया, लिमिट अपने को पता नहीं है कि कहां से शुरू कर रहा है, नहीं पता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर दो कि साहब y²/2 comes as x²/2 plus में कोई कांस्टेंट, तो y² = 2x² + 2c भी कोई कांस्टेंट ही होगा, मतलब पाथ जो होगा उसकी इक्वेशन होगी y² = 2x² + कांस्टेंट, और y² = 2x² + कांस्टेंट बोले तो फोर्थ जो आ रहा है वो आपका करेक्ट आंसर होगा. बोलो सेट है. अच्छा चलो तो आगे बढ़ते हैं. 11th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12. देखो साहब क्या कहा जा रहा है कि दैट द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन बाय x = a cos ωt, y = a sin ωt एंड z = a ωt. द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, x कोऑर्डिनेट की इक्वेशन गिवन है, y की गिवन है, z की गिवन है. तो हमने कहा साहब देखो क्या पूछा, क्या जा रहा है, पार्टिकल की स्पीड पूछी जा रही है, बहुत बढ़िया. देखो स्पीड की बात करते हैं ना तो x, y और z तीनों में होती है, तो स्पीड अपन ऐसे लिखते हैं √vx² + vy² + a vz² यही लिखते हैं. तो बोले vx निकालो, vy निकालो, vz निकालो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा. अच्छा जी, तो हमने कहा जी साहब x कोऑर्डिनेट जो है वो गिवन है a cos ωt, ठीक है, तो vx निकाला,
Vx is minus a omega sin omega t, cos का differentiation sin minus का, और जो t के multiplication में होता है उसको बाहर रख देते हैं। Similarly y coordinate जो मेरे पास है that is a sin omega t, तो vy जो मेरे पास आ रहा है that is coming as a omega cos omega t, बोलो सही। अच्छा, और z coordinate जो मेरे पास आ रहा है that is a omega t, तो vz जो मेरे पास आ रहा है दैट इज ए ओमेगा। बोलो क्लियर। हमसे स्पीड पूछी गई है x स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, वैल्यू पुट करो। जैसे ही वैल्यू पुट की v कम्स एस सबसे पहले इसका स्क्वायर, सो इट इज ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, फिर इसका स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा t, और फिर इसका स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब देखो इन दोनों को जरा घूर घूर के देखें तो इन दोनों में से a square omega square common आ रहा है, sin square omega t plus cos square omega t कितना जा रहा है 1, तो v comes as under root में a square omega square plus a square omega square, a square omega square plus a square omega square that is twice a square omega square, so this value comes as root 2 a omega, this is the speed of the particle, मतलब particle की speed time के साथ variable नहीं होगी, constant आएगी। तो सर वैल्यू आंसर अपने पास आ गया रूट टू ए ओमेगा, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्या पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी? नहीं, वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, फर्स्ट वन इज द मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, सेकंड वन इज द डायरेक्शन। तो एक्स और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है? नहीं है, पक्का? चलिए तो सर आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना वो ऐसा मान लो कि एक रिपीटेड सा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जेई मेंस में पहले भी पूछा जा चुका है, उसमें केवल एरिया पूछा गया था, इसमें एरिया का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो अपन पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट को डील करते हैं। क्वेश्चन है दैट टू गन्स ए एंड बी कैन फायर बुलेट्स एट स्पीड्स 1 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 2 किलोमीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली from a point on a horizontal ground, they are fired in all possible directions. The ratio of maximum areas covered by the bullets fired by two guns on the ground is. मतलब क्या है? जैसे मान लो यहाँ गन है ना, इसने बुलेट फायर की, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस तक इधर पहुंच सकता है इसे, ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो हो सकती है वो हो सकती है साहब u square by z, यदि u से फायर करता है तो। बोलो सही है क्या? इधर मैक्सिमम डिस्टेंस u स्क्वायर बाय g, इधर u स्क्वायर बाय g, इधर u स्क्वायर बाय g, इधर u स्क्वायर बाय g, तो अपन ऐसे सोचें तो ओवरऑल क्या बन गया? एक सर्किल। बोलो सही। अच्छा, ओवरऑल बन गया एक सर्किल, और उस सर्किल का एरिया जो है, जो मैक्सिमम एरिया कवर कर सकता है वो कवर कर सकता है भाई साहब पाई आर स्क्वायर, रेंज मैक्सिमम, कैपिटल आर इज द मैक्सिमम रेंज। तो वैल्यू मेरे पास आई पाई यू की पावर 4 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। ये समझ में आ गया? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर मैक्सिमम होती है रेंज। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई पाई यू पावर 4 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, मतलब एरिया जो है, जो कवर्ड एरिया है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड रेस टू द पावर 4। पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें डायरेक्टली इतनी चीज पूछी गई थी, अब थोड़ा सा वो डाटा पुट करके पूछ लिया गया। तो हमने कहा साहब A1 बाई A2 जो आएगा, दैट वैल्यू इज U1 by u2 raised to the power 4. अब u1 है 1 और u2 है 2, तो 1 by 2 raised to the power 4, तो value जो मेरे पास निकल कर आ रही है, that value is coming as 1 raised to 16. मतलब उसका जो ratio होगा covered areas का, वो ratio होगा 1 raised to 16. Second one is the correct answer. बोलो ठीक। Okay, तो अगला question अपना, question number 14. देखिए उसमें कहा गया है, that a particle starts from origin at t is equals to 0. Particle t is equals to 0 से origin से start कर रहा है, and moves along the positive x-axis, positive x-axis के along move कर रहा है, the graph of velocity with respect to time is shown in the figure, velocity का time के साथ graph diagram में shown है, और ये पूछा गया है कि what is the position of the particle at t is equals to 5 second, t is equals to 5 second पे particle की position क्या है, exactly graph से related, Zee Mains 2021 में लगभग 3 question पूछे गए हैं, और सेम कंसेप्ट पर बेस्ड, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बेसिस पर पोजीशन कैलकुलेट करनी है, एक में पोजीशन कैलकुलेट, दो में एग्जैक्टली पोजीशन थी, और एक में डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू पूछी गई थी।
चलिए सर, अपन पहले वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वहां वहां डिस्कस कर लेंगे कि भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एरिया अंडर द कर्व होता है, और टोटल डिस्टेंस के केस में अपन ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों एरियाज को पॉजिटिव लेते हैं। बोलो ठीक है। चलिए जी सर, इस वाले केस में तो पार्टिकल रिटर्न तो हुआ ही नहीं है, वेलोसिटी नेगेटिव तो हुई नहीं है, तो एग्जैक्टली ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का है, कुछ ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, और t इज इक्वल टू 5 सेकंड अपने पास यहां है बेटा, ये 5, ये 4, ये 2, ये 2 और ये वाला है 3। तो मेरे को ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया चाहिए। एक ट्राइंगल है, दो रेक्टेंगल है, सो इट इज 1/2 इंटू में 2 × 2, इस ट्राइंगल का एरिया हो गया, देन 2 × 2 वो इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया इस वाले का, देन 1 × 3 वो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया हो गया। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दिस वैल्यू इज 2, दिस वैल्यू इज 4 एंड दिस वैल्यू इज 3, सो दिस टोटल वैल्यू कम्स एज 9। मतलब यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस अपने पास आ रही है, पार्टिकल की जो पोजिशन आ रही है, चाहे डिस्टेंस बोल दे डिस्प्लेसमेंट बोल दे, वो x = 9 मीटर आएगा। बोलो सेट, पक्का? चलिए जी सर, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है, फिर कंसेप्ट को समझेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, दैट अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट t = 0 विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी एट t = 1 सेकंड इज r, t = 1 सेकंड पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ट्रैजेक्टरी की वो r है, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्मॉल g, कैपिटल r की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन क्या, पहले तो उसकी बात करते हैं ना। देखो, जब भी किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, मान लो किसी इंस्टेंट पर यहां है और वो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ फाई एंगल बना रहा है, तो जी जो होता है वो उसका वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है वो इधर होगा, तो उसके दो कंपोनेंट लेते हैं जी के, एक अलोंग द मोशन एंड परपेंडिकुलर टू द मोशन, मतलब स्पीड की डायरेक्शन में एक स्पीड के परपेंडिकुलर। ये फाई तो ये 90 - फाई, तो इधर वाला एंगल होगा फाई, तो ये वाला तो मेरे पास आया जी कॉस फाई, और ये वाला मेरे पास आएगा जी साइन फाई। अब देखो बिटू, ये जो एक्सिलरेशन है ना जी साइन फाई, ये होता है डियर टेंजेंशियल एक्सिलरेशन, और ये जो एक्सिलरेशन है ना जी कॉस फाई, ये होता है रेडियल एक्सिलरेशन। सिमिलरली चाहे बॉडी जो है वो इधर वाली डायरेक्शन में मूविंग है ना, मान लो ये वाला एंगल इधर इस वेलोसिटी है, ये वाला एंगल फाई है और ये इधर जी है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 90 - फाई आएगा, तो इधर वाला कंपोनेंट तो आएगा जी साइन फाई, ये तो टेंजेंशियल एक्सिलरेशन होगा, और इधर वाला जो कंपोनेंट है वो आएगा जी कॉस फाई, वो रेडियल एक्सिलरेशन होगा। और रेडियल एक्सिलरेशन जो है उसको भी डियर v² / R से पुट करके रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट किया जाता है पाथ का किसी भी पॉइंट पर। तो यदि मैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड की वैल्यू का स्क्वायर कैलकुलेट कर लूं और जी कॉस फाई कैलकुलेट कर लूं, तो मेरा क्वेश्चन सोल्व है। बोलो सेट है। अच्छा, हमने कहा साहब सबसे पहले स्पीड निकालनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे बॉडी को, बॉडी की स्पीड जो होती है ना एक्स डायरेक्शन में वो तो कॉन्स्टेंट रहती है, वो तो 10 cos 60 मतलब 5 आ गई। वाई डायरेक्शन में बात करोगे दियर दैट इज यूवाई माइनस में जीटी, यूवाई की वैल्यू है 5√3 और एक सेकंड के बाद बात कर जा रही है दैट इज -10, सो दिस वैल्यू कम्स एज -1.34 मीटर पर सेकंड। मतलब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब बॉडी जो है वो पर्टिकुलरली हाफ मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट क्रॉस करके आगे आ चुकी है। अब मेरे को यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, तो वी का स्क्वायर चाहिए, तो वी स्क्वायर कैलकुलेट करोगे ना तो v square की वैल्यू यहां से आएगी, देखो इसका स्क्वायर दैट इज 25, इसका स्क्वायर दैट इज 1.8 अप्रोक्सीमेटली, सो दिस डाटा इज 26.8। अच्छा डियर, और यदि मैं 10 phi के cos phi चाहिए, तो साहब 10 phi की वैल्यू जो है vy / vx होती है, मैग्नीट्यूड में बात कर लेते हैं 1.34 डिवाइडेड बाय 5, यहां से ये phi की वैल्यू जो है ना ये अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री के आसपास आती है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। फाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री के आसपास आती है, या फिर आपको देखो 10 फाई की वैल्यू मिल गई 1.34 डिवाइडेड बाय 5, सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस फाई, और कॉस फाई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कॉस फाई की वैल्यू देखिए, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, सो दिस इज 5 / √
फाइव स्क्वायर प्लस 1.34 का स्क्वायर, यहां से अपन कोस फाई की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगल नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जो आपके पास आएगा दैट इज 26.8 डिवाइडेड बाई 10 इनटू में दिस डाटा, दिस इज 5 अपॉन, और ये डाटा चला गया ऊपर अंडर रूट में 25 का स्क्वायर प्लस 1.34 का स्क्वायर दैट इज 1.8 अंडर रूट में 26.8। यहां से सोल्व करते हैं ना तो अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू जो है वो 2.8 मीटर आ रही है। सो फ्रॉम हियर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेकंड वन। बोलिए ठीक पक्का। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को 15 के बाद। भाई उसमें जो कंसेप्ट की बात थी ना, एक तो थी साहब की टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एक है रेडियल एक्सीलरेशन, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मुद्दा है 15 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है दैट ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पॉइंट 2i कैप प्लस 4j कैप मीटर एट t इज इक्वल्स टू 0 विद एन इनिशियल वेलोसिटी 5i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकंड। इट इज एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन 4i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पर। मतलब एक पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन दी गई है, वेलोसिटी दी गई है और कांस्टेंट एक्सीलरेशन दिया गया है, और 2 सेकंड के बाद उसकी डिस्टेंस पूछी गई है ओरिजिन से। तो डियर हम यहां पर जो फॉर्मूला लगा सकते हैं ना वो ये लगा सकते हैं कि यदि पार्टिकल इनिशियली एक्स नॉट वाली पोजीशन पर था तो उसके मोशन की जो इक्वेशन होगी दैट विल बी, मतलब एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऐसी और वाई डायरेक्शन में इक्वेशन होगी ऐसी। हमें केवल एक्स और वाई में बात करनी है। वेयर एक्स नॉट इज द इनिशियल कोऑर्डिनेट एंड वाई नॉट इज द इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉडी। चलिए सर वैल्यू देखते हैं जरा, x वाले में देखें सबसे पहले तो x माइनस इनिशियल x कोऑर्डिनेट इज 2, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 5, x डायरेक्शन की इनिशियल, टाइम पूछा 2 सेकंड के बाद प्लस में हाफ, एक्सीलरेशन इज 4 तो इनटू 4 इनटू टाइम का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 से 2 सही हो गया, दिस वैल्यू इज 8, दिस वैल्यू इज 10, दिस वैल्यू इज 2। तो x कोऑर्डिनेट जो मेरे पास बॉडी का आ रहा है दैट x कोऑर्डिनेट इज कमिंग एज 20 मीटर, 2 सेकंड के बाद बॉडी के x डिस्टेंस 20 मीटर होगी। और y डिस्टेंस की बात करें तो वी विल राइट इट y माइनस में इनिशियल y कोऑर्डिनेट इज 4 इज इक्वल्स टू uy, uy कितना है बेटा 4 इनटू में टाइम 2 प्लस में हाफ इनटू में एक्सीलरेशन, तो y डायरेक्शन में भी 4 ही है इनटू में 2 का स्क्वायर, दैट वैल्यू कम्स एज y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 8 प्लस 8 8 प्लस 8 16 प्लस 4 दैट इज 20। y कोऑर्डिनेट 20 मीटर है, x कोऑर्डिनेट 20 मीटर है, तो डिस्टेंस फार्मूला ये कहता है ओरिजिन से अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर दैट वैल्यू कम्स एज 20 रूट 2 मीटर। मतलब उसकी जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन से दैट विल बी 20 रूट 2 मीटर। बोले सेट, बढ़ाएं बात को आगे। चलिए जी सर 16 के बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दैट ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन एन ओपन ग्राउंड हियर्स द साउंड ऑफ ए जेट एरोप्लेन कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ एट एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड लेवल बट ही फाइंड्स द एरोप्लेन राइट वर्टिकली अबव हिज पोजीशन इफ वी इज द स्पीड ऑफ द साउंड The speed of the plane is. देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक बंदा यहां खड़ा है और उसको इधर से एरोप्लेन की साउंड आती भी सुन रही है, और उसने देखा तो एरोप्लेन दिखा एग्जैक्टली उसको टॉप पर। इसका मतलब हुआ क्या सुनना जरा, कि साउंड जितने टाइम में यहां से यहां डिस्टेंस ट्रेवल करके आई उतने टाइम में एरोप्लेन यहां से यहां गया। बोलो यस और नो। बोले हाँ, ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी है 60 डिग्री। यदि मैं कहूं कि ये वाली डिस्टेंस d है तो ऑब्वियसली ये वाली डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, बोले 2d की, 60 डिग्री एंगल ना। मतलब जितने टाइम में एरोप्लेन ने d डिस्टेंस ट्रेवल की, साउंड ने 2d डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, मतलब साउंड ने स्पीड डिस्टेंस डबल ट्रेवल की सेम टाइम में, तो साउंड की स्पीड डबल है। या फिर मैं ऐसे कहूं एरोप्लेन की स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड, एरोप्लेन ने हाफ डिस्टेंस ट्रेवल की है तो एरोप्लेन की स्पीड साउंड की स्पीड की हाफ है, और साउंड की स्पीड की हाफ है तो अपन बोल सकते हैं सर दिस वैल्यू इज v बाय 2। बोलो सेट है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि 60 डिग्री विद दी, ये जो एंगल स्पेसिफाई किया गया है ये एंगल ग्राउंड लेवल के साथ स्पेसिफाइड है। बोलो सेट है बेटा। अच्छा जी सर चलिए आगे बढ़ाते हैं 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 वाला जो क्वेश्चन है, पहले अपन इससे रिलेटेड कांसेप्ट डील करते हैं फिर क्वेश्चन को डील करते हैं। यदि दो ट्रेन्स सेम डायरेक्शन में मूविंग होती हैं और ये पूछा जाता है कि उन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, जैसे मान लो इस वाले ट्रेन की इधर स्पीड है v1 और इसकी लेंथ है l1, इस वाली ट्रेन की इधर स्पीड है v2
और इसकी लेंथ है L2। तो जब ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो कुछ ऐसी सी इस कंडीशन रहेगी। बोलो सही, मतलब इसका लास्ट वाला पॉइंट इसके लास्ट वाले पॉइंट के साथ मीट करेगा, इसका लास्ट वाला पॉइंट इसके लास्ट वाले पॉइंट के साथ मीट करेगा जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर चुके होंगे। मतलब इन दोनों के बीच इनिशियल सेपरेशन कितना है L1 प्लस L2, फाइनल सेपरेशन कितना जीरो, तो मतलब रिलेटिव डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई L1 प्लस L2। अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड कितनी V1 प्लस V2, तो टाइम कितना लगा। बोले जी साहब रिलेटिव सेपरेशन डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड, तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, एक दूसरे को क्रॉस करने में इतना टाइम लगा। फिर दूसरे वाले केस में कि साहब यदि सेम डायरेक्शन में मूविंग हो, दिस इज द सिचुएशन व्हेन द ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। इफ द ट्रेन्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शंस, मान लो ये वाली ट्रेन और एक दूसरे वाली ये छुटकुछ ट्रेन, इसकी लेंथ है साहब L1 और ये इधर V1 स्पीड से मूविंग है, इसकी लेंथ है L2 और ये इधर V2 स्पीड से मूविंग है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी। बोला V2 माइनस V1, बोलो ये सोर नो, ये इसको क्रॉस कर रहा है तो ये पीछे वाला तेज चलेगा तभी तो क्रॉस कर पाएगा, तो रिलेटिव स्पीड होगी V2 माइनस V1। अब क्रॉस कर लिया, जब सोचना जरा बात को, कब क्रॉस करेगा, जब इसका पीछे वाला बैठा हुआ बंदा इसके आगे वाले एंड को देखेगा। बोलो सही है क्या। अच्छा, तो मतलब जब क्रॉस करेगा तो सिचुएशन विल बी लाइक दिस, दोनों सेम लेवल पर होंगे। तो मैंने कहा इन दोनों के बीच इनिशियल सेपरेशन कितना है, बोला L1 प्लस L2, फाइनल सेपरेशन कितना जीरो, तो टाइम कितना लगेगा, बोला रिलेटिव सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, दैट इज V2 माइनस V1। बोलो सेट है, पक्का। चलिए तो अब आओ जरा क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है दैट अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द अदर ट्रेन व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो हमने कहा सबसे पहले सेम डायरेक्शन की बात करनी है, तो सेम डायरेक्शन में टाइम लगता है, टोटल लेंथ L1 प्लस L2 दैट इज 120 प्लस में 60 दैट इज 180, डिवाइडेड बाई द रिलेटिव स्पीड दैट इज 80 माइनस 50 दैट 30 दैट इज 50। दूसरे वाले में टाइम लगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 दैट इज 80 प्लस 30 दैट इज 110। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, एक रेशियो ही तो लेना है। तो साहब यहां से टाइम T1 डिवाइडेड बाई टाइम T2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट वैल्यू कम्स इज 11:5, सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। बोलो सेट है, पक्का। चलिए जी साहब आगे बढ़ाते हैं बात को 18 के बाद। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 19। ये बढ़िया क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला गया है दैट शिप ए इज सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट विद वेलोसिटी दिस, देयर आई कैप पॉइंट्स ईस्ट एंड जे कैप पॉइंट्स नॉर्थ, शिप बी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर ऑफ ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ शिप ए इज सेलिंग टुवर्ड्स वेस्ट विद ए स्पीड दिस, ए विल बी एट ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम बी। मतलब इनके बीच का सेपरेशन जो है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मिनिमम बोला गया है, वो कब होगा। मैंने कहा देखो पहले तो सुनना जरा, बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में डिफाइंड है, तो ए इनिशियली यहां था, इधर वेलोसिटी 30 है और इधर वेलोसिटी 80 है किलोमीटर पर आवर में, और बी जो है वो ए के 80 ईस्ट में और 150 नॉर्थ में है यहां से, और इसके पास वेलोसिटी है इधर 10 की। बोले जी ठीक है। तो मैंने कहा कुछ टाइम के बाद बी इनिशियली यहां 80, 150, कुछ टाइम के बाद ये इधर चल के आया, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, क्योंकि इसके पास एक्स वेलोसिटी भी और वाई वेलोसिटी भी है। तो हमने कहा इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा कहीं यहां से होगा, एंड दैट पोजिशन वैक्टर इज 30t, 50, और इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट पोजीशन वेक्टर विल बी 80 माइनस में 20, 150, क्योंकि ये पीछे जा रहा है भाई, ये पीछे जा रहा है तो 10 की स्पीड से जा रहा है, वाई कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट है, वेस्ट में ही तो जा रहा है बेटा, तो 80 माइनस 20 और इधर वाला 150, तो इसके लिए एक्स में चल के आया 30t और वाई में गया 50t। तो दोनों के बीच जो सेपरेशन है, मैं उस सेपरेशन का फॉर्मूला यदि लिखना चाहूं तो दोनों के बीच सेपरेशन का फॉर्मूला मेरे पास लिखा गया, दिस माइनस दिस, सो इट इज 80 माइनस 40t का स्क्वायर प्लस में 150 माइनस में 50t का स्क्वायर। बोलो ठीक है। अच्छा अब देखो डियर,
When the separation L is minimum, then L square is also minimum at that time. तो क्या करना होता है? L को स्क्वायर मारो, जैसे स्क्वायर किया. L square is equals to 6400 plus 1600 t square minus में 6400 t plus में 225 00 plus 2500 t square minus में 150 00 t. ये value निकल कर आती है L square की. अच्छा, अब देखो कुछ बच्चे जो हैं इसमें ऐसे करना चाहते हैं, वो एक relative वाला सा graph बनता है. बोला सर वो ए को देख के, ए को रेस्ट में रख के बी उसको देखे, बी को देखें तो कुछ ऐसा सा डायग्राम आएगा, फिर उसमें एंगल निकालेंगे. क्यों भैया? टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन. मेरी बात को समझना, क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा मुन्ना. तो इसमें ऐसा वो सिंपल क्वेश्चंस में किया करते हैं, इस वाले में कोऑर्डिनेट से चलोगे तो जीवन में शांति रहेगी. देखो कितना सुकून सा है, बस कुछ नहीं करना है. तुमने कोऑर्डिनेट निकाल ले, आगे डिफरेंशिएट करो, जीरो के इक्वल पुट कर दो, खेल खत्म. तो हमने कहा साहब dl square by dt, that value 6400 का differentiation 0 और it is 3200 t minus में 6400 plus में 5000 t minus में 15000. first derivative को 0 के equal रखना है. so it is 8200 t is equals to, this value is 150 plus में 64 साथ में 00. अब 00 से तो 00 सही हो गया, मतलब इनटू में 100 था, 100 तो सही हो गया. टाइम टी की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है, दैट वैल्यू इज कमिंग इज 414 डिवाइडेड बाय 82. इसकी वैल्यू सोल्व करने पर अप्रोक्सीमेटली दिस कम्स एज 2.6 आवर्स. मतलब इस टाइम पर दोनों सिप्स के बीच का सेपरेशन जो होगा वो मिनिमम होगा. बोलो सेट. अच्छा जी सर, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो आएगा दैट इज दी थर्ड वन. चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20. देखो ये बहुत फेमस सा क्वेश्चन है और जनरली इसका आंसर 120 डिग्री रहता है. क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक बोटमैन रिवर में स्विम कर रहा है. पहले कंसेप्ट को डील करते हैं. और यदि बोटमैन यहां से थीटा एंगल पर स्विम करता है तो एक तो होता है शॉर्टेस्ट टाइम के लिए. शॉर्टेस्ट टाइम के लिए थीटा जीरो होता है, d अपॉन vb से सीधा. और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए कि कोई ड्रिफ्ट ना मिले, तो अपन उसमें एक ही चीज अप्लाई करते हैं कि साहब vb sin थीटा जो है, not cos थीटा, vb sin थीटा जो है वो आपका किसके इक्वल होना चाहिए? बोले जी साहब वो vr के इक्वल होना चाहिए. यदि आपका vb sin थीटा vr के इक्वल होगा तो इस कंडीशन में बॉडी शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग क्रॉस करेगी. अच्छा, अब vb की बात करें तो देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं. क्वेश्चन में कहा गया है दैट अ स्ट्रीम ऑफ रिवर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर. वी आर दिया गया 2. ए स्विमर कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर. व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ रिवर टू क्रॉस द रिवर स्ट्रीट. स्ट्रेट क्रॉस करनी. हमसे एंगल की वैल्यू पूछी गई किसकी? 90 प्लस थीटा की. किसकी? 90 प्लस थीटा की. चलिए सर, it is 4 sin theta is equals to 2. So from here we say that theta is equals to 30 degree. और theta 30 आया तो 90 plus 30 that is 120 degree. बोलो set. चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को. Next यदि अपन बात करें, next one is question number 21. Simple सा question है. देखो generally है ना, पहले JEE mains के paper में question अच्छे आया करते थे. Pandemic के duration में बात करें ना, COVID time में, तो questions बहुत easy, बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं. मतलब ऐसा हो सकता है कि पूरे पेपर में दो चार क्वेश्चन कुछ टिपिकल से रहे हो, बट ओवरऑल जो पेपर आया ना बहुत इजी आया. आप क्वेश्चंस के साथ देख लो यार, मतलब ये एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया. टिपिकल की बात करूं, मैंने कहा दो चार पूछे भी गए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ये अच्छा है, ऐसे पूछे भी गए हैं. चलिए तो अपन आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की. 21 कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन. देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, पोजीशन वेक्टर दिया गया और एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा गया है. तो हमने कहा साहब फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी बताएगा, दैट इज 30t माइनस में 40t. इट इज 30t i कैप माइनस 40t j कैप. तो एक्सीलरेशन जो मेरे पास आ रहा है दैट इज 30 i कैप माइनस 40 j कैप. मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड सीधा सीधा 50. अब चाहे किसी भी टाइम पर पूछ ले ये इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा? कॉन्स्टेंट. तो सर इसकी वैल्यू जो अपने पास आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज 50. बोले सेट.
चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 के बाद नेक्स्ट वन इज 22। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं नीट के स्टूडेंट्स को बोलूंगा, यदि आप देख रहे हैं तो बेटा आप इस क्वेश्चन को स्किप करके चले, क्योंकि आपके सिलेबस में प्रोजेक्टाइल मोशन और इंक्लाइंड प्लेन नहीं है। यही वाले देखें भाई, क्वेश्चन में कहा गया है दैट अ प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड 2 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन एज शोन इन द फिगर। द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस एट विच द पार्टिकल हिट्स द प्लेन इज क्लोजेस्ट टू। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, कुछ फॉर्मूलाज अपने को याद करने थे। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन जब अपन ने पढ़ा तो उसमें अपन ने कुछ मैक्सिमम हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का कुछ फॉर्मूलाज याद किए थे। यदि अपन इस इंक्लाइंड प्लेन पे यहां से बॉडी को थीटा एंगल पर और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है और बॉडी को ऐसे आपने प्रोजेक्ट किया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो आता है ना वो 2u परपेंडिकुलर, याद है, डिवाइडेड बाई मोड ऑफ ए परपेंडिकुलर आता है। टाइम ऑफ फ्लाइट ये आया ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपने पास हो गया 2u cos थीटा डिवाइडेड बाई जी साइन अल्फा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया, सॉरी इट इज नॉट, उल्टा लिख दिया अपन ने ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो प्लेन के परपेंडिकुलर तो u cos थीटा तो अलग हो गया, u sin थीटा हुआ परपेंडिकुलर, तो 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई, अब mg के कंपोनेंट डालते हैं तो इधर डलता है mg cos थीटा और इधर वाला होता है mg sin थीटा, तो डिवाइडेड बाई जी cos थीटा। ये अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट आया। अब बात करनी है रेंज की, तो फॉर्मूला सीधा सीधा ux into t plus half ax into t square, इस केस में ax नेगेटिव में जाएगा, तो इट इज u cos थीटा into में टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g cos थीटा माइनस में half g sin थीटा, half g sin अल्फा, इट इज cos, दिस विल बी cos अल्फा, एंगल अल्फा दे रखा है ना, this will be alpha, so it is g sin alpha, साथ में 2u sin theta divided by g cos alpha का square। सोल्व करते हैं तो एक डाटा तो कॉमन आता है, that is 2u square sin theta divided by g cos alpha, तो कॉमन आ गया। इधर वाला टर्म बचता है cos theta और इधर वाला टर्म बचता है sin theta sin alpha, sin theta sin alpha divided by cos alpha, बाकी सारा डाटा तो कांस्टेंट है। सोल्व करोगे तो ये cos थीटा cos अल्फा माइनस में sin थीटा sin अल्फा दैट इज cos थीटा प्लस अल्फा, तो 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g cos स्क्वायर अल्फा साथ में cos थीटा प्लस अल्फा और साथ में sin थीटा, sin थीटा यदि अपने पास है, देखो बेटा जी 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a plus b plus sin a minus b, so it is u square divided by g cos square alpha, साथ में sin 2 theta plus alpha, solve करोगे और साथ में minus of sin alpha, ये वाला formula निकल कर आया। अब देखो डाटा में कोई confusion नहीं है, 15 degree की तुम सोचो value चाहिए, नहीं चाहिए, ये तो 60 हो गया, by 2 into 15 that is 30, 30 plus 30 that is 60, so it is sin 60 minus sin 30, value put कर दो, cos 30 is root 3 by 2 का square, u is 2, तो 2 का square 4, यहाँ पर value put की, it is root 3 minus 1 divided by 2, ये cancel out हुआ 2 times, so this value comes as 8 divided by 30, साथ में अपने पास आया root 3 minus 1, इसको solve करेंगे तो approximately ये वाला data, वैसे 19.5 के आसपास आता है, तो approximately ये वाला data जो है, that is coming as 20 centimeter, मतलब उसकी जो range है inclined plane पर, वो अपने पास 20 सेंटीमीटर के इक्वल आ रही है। सो फ्रॉम हियर द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन 4th। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 22 के बाद। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्या कहा गया है, द ट्रैजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय y = 2x - 9x स्क्वायर इफ इट वर लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा नॉट एंड विद स्पीड v नॉट देन। मतलब थीटा नॉट बतलाना है और स्पीड v नॉट की वैल्यू बतलानी है। देखिए जब भी अपन ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं ना, मतलब बॉडी के प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन से रिलेटेड, तो उस इक्वेशन के दो फॉर्म जो मेनली यूज में आते हैं वो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से?
कि दैट y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस में जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, एक तो ये, और दूसरा आपको फॉर्म याद रखना है दैट y इज इक्वल टू x tan थीटा साथ में वन माइनस x अपॉन r, ये कोऑर्डिनेट्स है, r जो है वो रेंज है। ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रखने बेटा, इनसे अपना क्वेश्चन बन जाएगा। हमें जो इक्वेशन दी गई है दैट इज 2x माइनस 9x स्क्वायर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करें तो यहां से tan थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन से कंपेयर कर दो, मतलब वो 2 के इक्वल है, tan थीटा 2 के इक्वल है। आंसर अपने को साइन में भी गिवन है और कोस में भी गिवन है। तो साहब ये तो एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें ये वाला एंगल है थीटा 2 1 एंड दिस इज रूट 5, तो साइन थीटा इज 2 बाई रूट 5 एंड कोस थीटा इज 1 बाई रूट 5। सो फोर्थ वन में भी करेक्ट एंड थर्ड वन में भी करेक्ट। अब स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के बेसिस पर बात होगी। देखो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के बेसिस पर बात हो, यदि मैं यहां से कंपेयर करता हूं इन दोनों को, तो देखो बेटा जी, g अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा दैट वैल्यू इज इक्वल टू 9। अच्छा जी, दिस इज 10 बाई टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, cos theta is 1 by root 5, so cos square theta is 1 by 5, and that value is 9. Cancel out करो, ये 5 times cancel out हुआ, ये 5 into 5, that is 25 by 9, that value comes as u square. तो speed of projection की बात की जाए, तो dear आपके पास speed of projection जो है, that is 5 by 3, so from here we say, third one is the correct answer for this question. बोलिए set है, पक्का? चलिए तो सर, आगे बढ़ाते हैं, next बात करते हैं question number 20. अच्छा पहले तो 24 से रिलेटेड कंसेप्ट की बात करते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। दो दफा पूछा गया ऐसा क्वेश्चन जेई मेन के एग्जाम में, दो बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, एक तो मैक्सिमम हाइट से रिलेटेड, टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड। अपन दोनों को एक साथ ही करेंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, 24 और 25 दोनों सेम से क्वेश्चन और एक ही साल में पूछे गए। 24 में कह रहा दैट अ सेल इज फायर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड आर्टिलरी गन विद एन इनिशियल स्पीड यू सच दैट इट हिट्स द टारगेट एट अराउंड आर। टाइम जो फ्लाइट जो दे रखे हैं वो दो रखे हैं T1 और T2, T1 और T2 का प्रोडक्ट। देखिए कंसेप्ट क्या है कि यदि मैं किसी बॉडी को किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करता हूं तो उसकी जो रेंज है थीटा इज नॉट 45 है ना, तो दो सेम स्पीड के साथ दो पॉसिबल एंगल्स पर, सेम स्पीड के साथ दो पॉसिबल एंगल्स पर सेम रेंज आ सकती है। और जो एंगल्स होते हैं ना, जैसे ये वाला एंगल थीटा है, तो एक एंगल होता है थीटा और दूसरा एंगल होता है 90 माइनस थीटा। एक एंगल है थीटा और दूसरा एंगल है 90 माइनस थीटा, और उनमें उनका जो पाथ होगा, जैसे ये लेस देन 45 वाला तो ग्रेटर देन 45 वाला ऐसा होगा, हाइट ज्यादा होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, लेकिन रेंज दोनों केसेस में क्या आएगी, सेम। T1 T2 अलग अलग होंगे और H1 और H2 भी अलग अलग होंगे, मैक्सिमम हाइट जो है ग्राउंड से। अच्छा तो पहले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट का, अच्छा रेंज का फॉर्मूला तो क्या आएगा, देखो रेंज का फॉर्मूला आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। अब जैसे ही थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखा, दिस इज साइन 180 माइनस 2 थीटा दैट इज अगेन साइन 2 थीटा, मतलब रेंज तो सेम। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें ना बेटा, तो t1 * t2 जो आता है ना वो मेरे पास आया, t1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g, और t2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 2u साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय z। सो दिस वैल्यू कम्स एज, एक 2 को तो बाहर रख लेते हैं, u स्क्वायर साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा डिवाइडेड बाय z, और एक g को इधर रख लेते हैं, सो दिस वैल्यू इज कमिंग एज 2r डिवाइडेड बाय z। मतलब इस वाले केस में करेक्ट आंसर की बात करें तो सेकंड वाला जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो है उसमें जस्ट एग्जैक्टली यही बोला गया है कि उनकी हाइट यदि h1 h2 है तो r स्क्वायर किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम हाइट h1 h2 है तो r स्क्वायर किसके इक्वल होगा। मैंने कहा देखो ऐसा है, यदि मैक्सिमम हाइट h1 h2 है, देखो इस वाले में जब आप ऑप्शंस की तरफ देखते हो ना, तो राइट हैंड साइड में h1 h2 h1 h2 h1 h2 h1 h2 चारों में घूम रहे हैं, तो क्यों ना अपन क्वेश्चन को h1 h2 से अप्रोच लगाएं। अच्छा मैंने कहा सर पहले वाले केस में तो h1 की वैल्यू आ गई u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, और दूसरे वाले केस में h2 की वैल्यू आ गई u स्क्वायर sin 90 माइनस थीटा दैट इज cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो h1 डॉट h2 जैसे ही मैंने किया, इट इज u पावर 4 साथ में sin थीटा cos थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g स्क्वायर। थोड़ा सा सजा के लिखते हैं इसको ना, सजा के लिखें तो
मैंने लिखा इसको यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय जी का स्क्वायर साथ में 1/4। मैं क्या करता हूं और सजा के लिखता हूं 1/4 यू स्क्वायर साथ में 2 साइन थीटा कोस थीटा इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। इसका मतलब मैंने इसके न्यूमरेटर में 4 मल्टीप्लाई किया तभी तो अंदर 2 का स्क्वायर गया, तो डिनोमिनेटर में भी मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोला 4। अब जैसे ही किया तो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय z इट इज नॉट z स्क्वायर इट इज z तो इट इज r स्क्वायर। मतलब ये वाला डाटा मेरे पास r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 आ गया, तो h1 डॉट h2 की वैल्यू r स्क्वायर बाय 16 है, तो r स्क्वायर किसके इक्वल होगा प्लस 16 h1 h2। बोलो ठीक है। सो फ्रॉम हियर फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। बोलो सेट है क्या सर। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट अपन बात करें 25 के बाद नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो डियर क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा जा रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t = 0 विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3i कैप एंड मूव्स इन xy प्लेन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन 6i कैप + 4j कैप। ओके, पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट उस टाइम पर उस इंस्टेंट पर जब y कोऑर्डिनेट 32 है तो x कोऑर्डिनेट पूछा गया। हमने कहा साहब देखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है ना, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट की इक्वेशन जो होगी ओरिजिन से शुरू कर ही रहा है तो अपन ये लिख सकते हैं uy into t प्लस में हाफ ay into t स्क्वायर। अब इसको उस टाइम पर 32 कहा गया है, इनिशियल y वेलोसिटी देखो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 3i कैप है, मतलब केवल x में y में है नहीं, तो दिस वन इज 0 इज इक्वल्स टू हाफ। एक्सीलरेशन कितना दिया गया 4 साथ में t स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू जो मेरे पास आ रही है t की दैट इज कमिंग एज 4 सेकंड। मतलब मुझे टाइम t इज इक्वल्स टू 4 सेकंड पर x कोऑर्डिनेट बतलाना है। तो साहब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो ux into t दैट इज 3 into 4 प्लस में हाफ ay सॉरी ax into t स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व किया दिस वैल्यू कम्स एज 12 दिस वैल्यू इज 16 by 2 दैट इज 8 8 into 6 that is 48 so that value is coming as 60 meter। मतलब उस time पर x coordinate 60 meter के equal है, सीधा सीधा अपन from here we can say fourth one is the correct answer। बोलो set। चलिए जी सर 26 के बाद next question की बात करते हैं, question number 27 और relative motion का ऐसा सा question जो लगता है बहुत typical है but बहुत easy है। देखो कैसे, पहले question पढ़े फिर solve करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया दैट ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद इट्स कोऑर्डिनेट्स एट टाइम टी गिवन बाय एक्स इज इक्वल्स टू 10 प्लस 8t माइनस 3t स्क्वायर और दूसरा पार्टिकल अनदर पार्टिकल इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस विद इट्स कोऑर्डिनेट्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय वाई इज इक्वल्स टू 5 माइनस 8t क्यूब। एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है फर्स्ट वाले पार्टिकल का, तो मैं कहूं फर्स्ट वाले पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी वो केवल एक्स डायरेक्शन में होगी एंड दैट इज 8 माइनस 6t v1। सीधा सीधा v1 ही कह सकते हैं, i कैप j कैप में कुछ है नहीं, k कैप में कुछ है नहीं। पहला वाला पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी अपन ने लिख दी और दूसरा वाला पार्टिकल जो है वो y एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट करने पर 5 का डिफरेंशिएशन 0 8t क्यूब का कितना 24t स्क्वायर j कैप। अच्छा जी साहब, तो मैंने कहा t = 1 सेकंड पर पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी t = 1 सेकंड पर आ रही है 2i कैप और दूसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी t = 1 सेकंड पर आ रही है -24j कैप। अच्छा, आपसे एक्चुअली में ये पूछा गया है, समझ रहे हो, तो v2 - v1 दैट इज 24j कैप माइनस में 24j कैप -2i कैप। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इट इज अंडर रूट 24 का स्क्वायर दैट इज 576 प्लस में 2 का स्क्वायर दैट इज 4 तो ये वाली वैल्यू आ रही √580 और आपको कहा गया क्वेश्चन में कि सर ये वाली वैल्यू जो है वो अंडर रूट ऑफ v के इक्वल है, मतलब अपने v की वैल्यू जो आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज 580। बोलो सेट है पक्का। चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 28 रिलेटिव मोशन का बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में ऐसे कहा गया है कि द ट्रेन ए एंड ट्रेन बी are running on parallel tracks in the opposite directions with a speed 36 km per hour and 72 km per hour. A person is walking in train A in the direction opposite to its motion with a speed of 1.8 km per hour. The speed in meter per second of the person as observed by the train B will be closest to 2.
क्वेश्चन क्या है साहब कि जैसे ये एक ट्रेन है, मान लो ये इधर जा रही है V1 से, और एक बंदा है जो इसमें चलता हुआ जा रहा है V0 से, V0 is 1.8 and V1 is 36. तो मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू वन जो है ना वो माइनस V0 आई कैप है. बोलो हाँ कि ना, सही बात है भाई. वो वेलोसिटी बताएगा तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलेगा, ट्रेन. विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बोला तो अपन ने टिका दिया. तो सर वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ वन V1 ट्रेन दैट इज माइनस V0 आई कैप. तो VP जो है इधर आया, V1 इधर आया, वो भी प्लस में, और V1 की वैल्यू V1 आई कैप है. तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई V1 माइनस V0 आई कैप. बोलो ठीक. अच्छा, इस पर्सन की रिलेटिव वेलोसिटी पूछी गई है ट्रेन 2 के रेस्पेक्ट में. तो ट्रेन 2 यदि इस पर्सन को ऑब्जर्व करती है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 2. ट्रेन 2 जो है वो भ्रमण करने के लिए इधर जा रही है V2 स्पीड से, मतलब उसकी वेलोसिटी मैं माइनस V2 आई कैप लिखूंगा. वैल्यू जो आई दैट इज V1 माइनस V0 आई कैप माइनस ऑफ V2 आई कैप. बस यही कहानी मैन थी कि V1 प्लस V2 माइनस में V0 साथ में आई कैप. स्पीड निकालेंगे तो आई कैप को तो गोली मारू. ये वाला डाटा 36, ये वाला 72, सो इट इज 108 माइनस में 1.8. मीटर पर सेकंड में चाहिए तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, तो 108 इंटू 5/18 माइनस में 1.8 इंटू 5/18. अब ये तुम्हारी समझदारी है कि तुम उस बात को समझ जाओ कि मुझे सब्ट्रैक्शन नहीं करना है. तो देखो यहां से जो वैल्यू आ रही है दैट इज 6 इंटू 5 दैट इज 30 माइनस में दिस वैल्यू इज 0.5. तो अपने पास रिलेटिव स्पीड जो इस केस में निकल कर आई ना बेटा, दैट स्पीड कम्स इज 29.5 मीटर पर सेकेंड. सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट. बोलो सेट है पक्का. चलो तो आगे बढ़ाते हैं सर. 28 के बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29 कि दैट स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 विद इनिशियल वेलोसिटी 5 जे कैप मीटर पर सेकंड ए पार्टिकल मूव्स इन xy प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन दिस. ओके, एट टाइम t इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 20 मीटर कॉमा y0. द वैल्यू ऑफ t एंड y0 आर कि किस टाइम पर कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाला मोशन है. देखो उस इक्वेशन को बहुत यूज किया गया है, x माइनस x नॉट इज इक्वल्स टू ux इनटू t प्लस हाफ ax इनटू t स्क्वायर वाली, या फिर y माइनस y नॉट, मतलब इनिशियल पोजीशन देकर, इनिशियल वेलोसिटी देकर, कांस्टेंट एक्सीलरेशन देकर बहुत दफा उस इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं. बोला क्या गया है कि इनिशियल वेलोसिटी 5 जे कैप है, x कोऑर्डिनेट जो है वो इनिशियली ओरिजिन से शुरू कर रहा है, तो मैं कहा x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ हाफ ax इंटू टी स्क्वायर से वेरी करेगा, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू को 20 दिया गया किसी पर्टिकुलर टाइम पर. जैसे दिया गया तो टी स्क्वायर की वैल्यू आई 4, मतलब टाइम टी आ गया 2 सेकंड. 2 सेकंड पर उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 20 है. फिर ये कहा गया साहब उस पर्टिकुलर टाइम पर वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा. देखिए दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं. वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो वाई कोऑर्डिनेट होता है यू वाई इंटू टी दैट इज 5 × 2 प्लस में हाफ ए वाई दैट इज 10 इंटू टी स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर. तो वैल्यू आई मेरे पास 10 प्लस में इनिशियल वेलोसिटी 5 जे कैप मीटर पर सेकंड एंड पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन. ओ ये गड़बड़ कर दी ना, ए वाई इज 4. जैसे ही 4 तो ये वाला वैल्यू मेरे पास आया, दिस इज 10 प्लस में 4 × 2 दैट इज 8. सो दैट वैल्यू इज कमिंग एज 18 मीटर, मतलब t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पर y कोऑर्डिनेट जो होगा दैट विल बी 18 मीटर. बोलो सेट है क्या बेटा. अच्छा जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं. 29 के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 30. 30 में कहा गया दैट अ टेनिस बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाई टच, एच हाइट से रिलीज की, एंड आफ्टर फॉलिंग ऑन अ वुडन फ्लोर इट रिबाउंड्स एंड रीचेस एट हाइट h बाय 2. द वेलोसिटी वर्सेस हाइट ऑफ द बॉल ड्यूरिंग मोशन मे बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली. देखिए क्वेश्चन आप समझना चाहे ना तो इस क्वेश्चन में मतलब आपको न्यूमेरिकली सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है. पहले वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज करती है, और ऑब्वियसली लीनियरली तो नहीं करती है क्योंकि स्पीड की बात करते हो, तो y डिस्टेंस फॉल करने के बाद वेलोसिटी होती है √2gy. तो लीनियर ग्राफ नहीं होगा, और जब हिट करती है मतलब हाइट जीरो होती है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी √2gh के इक्वल होती है. देखो इस वाले केस में पहले इंक्रीमेंट हो रहा है फिर डिक्रीमेंट दे दिया खट से, नहीं होगा. जब नीचे आ रहा है तो केवल इंक्रीमेंट होगा.
इस वाले में लीनियर है नहीं होगा, इस वाले में दे रखा है कुछ ऐसा सा ग्राफ, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। अब पैराबोला का नेचर पहचानना पड़ेगा, सीधी सी बात इतनी है कि इंक्रीमेंट इस टाइप से होगा कि इंक्रीमेंट इस टाइप से होगा। बोलो सेट है। तो v इज इक्वल टू रूट टू जी वाई वाले केस में v स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू, वैसे v की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में मेरे पास आती है, और उसकी वैल्यू जो है यदि मैं उसको h हाइट से ग्राउंड से रिलीज करता हूँ, सुनना जरा बात को, ग्राउंड से h हाइट से रिलीज किया, मान लो ये यहां से है ना, पर्टिकुलरली किसी इंस्टेंट पर ग्राउंड से y डिस्टेंस फॉल करके आया, तो इसकी हाइट कितनी हुई h माइनस y, तो अपन लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g साथ में सब h माइनस y, मतलब v की वैल्यू जो है वो अंडर रूट में 2g h माइनस y होगी, और वैसे वेलोसिटी नेगेटिव में जाएगी, तो इसका जो ग्राफ आएगा ना डियर वो फिर ये वाला आएगा, इसका नेचर ये वाला नहीं होगा, तो इसमें ये वाला करेक्ट हो गया एक, तो बचा यही। फिर उसके बाद जैसे ही वो हिट किया, उसके पास इतनी वेलोसिटी है कि अब वो हाइट h by 2 पहुंच सकता है, तो हिट करने के जस्ट बाद उसकी जो स्पीड होगी दैट वैल्यू विल बी रूट टू जी इंटू एच बाई टू, मतलब स्ट्राइकिंग स्पीड से 1/√2 टाइम्स होगी, मतलब बॉडी यहां। उसके बाद जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाएगा फिर उसकी स्पीड में डिक्रीमेंट होगा, और जो मैक्सिमम अचीव्ड हाइट होगी बॉडी की दैट विल बी h by 2। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। बोले सेट है, बढ़ाए आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने कहा था ना ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछा गया VT डायग्राम पर बेस्ड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ ऐसे पूछा गया है कि दैट स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीटर बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फ्रॉम t = 0 टू t = 5 सेकंड में। तो डिस्टेंस पूछी गई है, सीधा सीधा एरिया अंडर VT कर्व, मोशन की डायरेक्शन तो चेंज ही नहीं हुई ना, डायरेक्शन चेंज हो जाती तो पंगा होता, तो सीधा सीधा एरिया अंडर VT कर्व से इट इज 1/2 इनटू 8 इनटू 5 दैट वैल्यू कम्स एज 20 मीटर। बोलो सेट है पक्का। चलिए आगे बढ़ाते हैं 31 के बाद, नेक्स्ट वन इज 32। अब ये आपने 8th 9th 10th क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो फॉर्मूले पढ़े ना उन पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, और इवन है ना इसमें ये वाली जो चीज है ना ये वाली चीज से इतना डराया गया है, डराने के लिए है ये, अपन इसको यूज ही नहीं लेंगे, भूल जाओगे क्वेश्चन में ऐसा कुछ है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर डील करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है दैट ए बैलून इज मूविंग अप इन एयर वर्टिकली अबव ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड व्हेन इट इज एट ए हाइट h1, a girl standing at a distance d from point a sees it at an angle 45 degree with respect to the vertical। मतलब एक गर्ल यहां खड़ी है, जब ये डिस्टेंस d है तो उसे वो बैलून h1 हाइट पर दिखता है और यहां से 45 डिग्री के एंगल पर, सुनना जरा बात को, वर्टिकल से 45 तो हॉरिजॉन्टल से भी 45, ये वाली डिस्टेंस h1 ये d, तो सीधा सीधा ज्योमेट्री से बोल सकते हैं साहब 10 45 1 होता है, तो h1 by d है, h1 की वैल्यू किसके इक्वल है, d के। बोलो सेट। अच्छा फिर उसके बाद सिचुएशन कुछ ऐसी है कि साहब व्हेन द बैलून क्लाइम्स अप अ फर्दर हाइट h2, जब वो h2 हाइट चला गया, इट इज सीन एट एन एंगल 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल, मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना 30। इफ द गर्ल मूव्स फर्दर बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2.464d देन द हाइट h2 इज, मतलब दूसरे वाले केस में ये हाइट होगी h1 plus h2 और ये वाली हाइट होगी 3.464d। ये पहले d था, ये 2.464d गया तो 3.64d। अच्छा ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो आप जब इसको सजा के लिखते हो ना तो h1 plus h2 divided by 3.464d that value is 1030, 1030 is 1/√3, 1/√3, √3 is 1.732, और जैसे ही 1.732 को घूर घूर के देखा और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये सब सही हो गया, मतलब h1 plus h2 जो है वो सीधा सीधा 2d के इक्वल आ गया, मतलब आपका h2 जो है वो भी सर d के इक्वल आ गया, मेरी बात समझ रहे हो। यदि तुम इधर मल्टीप्लिकेशन में लेकर जाते तो जीवन में आतंक होता, वरना सीधा सीधा हो गया। बोलो सेट है क्या पक्का। तो सर यहां से करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। बोलो सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 के बाद, नेक्स्ट वन इज 33। ये वो तीसरा क्वेश्चन है जिसमें डिस्टेंस के बारे में पूछा गया था। मैंने आपको कहा था ना बेटा क्वेश्चन बहुत इजी है, एक ही कंसेप्ट पर चीजों की रिपीटेंसी हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा है, तो उन्हीं उन्हीं चीजों पर राउंड राउंड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मुश्किल से दो चार टिपिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी सारे इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं।
तो फोकस करें बिल्कुल बेसिक लेवल की चीजों पर मेंस को हिट करने के लिए। देखिए क्वेश्चन की बात करें कि द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन इज शोन इन द फिगर। ओके द पॉइंट एस इज एट 4.33 सेकंड, मतलब इट इज 4 + 1/3। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकंड, 6 सेकंड्स में टोटल डिस्टेंस पूछी गई है। देखो साहब डायग्राम कुछ ऐसा है, सबसे पहले कि 2 सेकंड्स में इसकी वेलोसिटी 4 तक गई, फिर 1 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी 4 कांस्टेंट रही। दिस वन इज 3, दिस वन इज 2, दिस वन इज 4 + 1/3, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट है 5 और ये वाला पॉइंट है 6, दिस वन इज 4। ठीक है, ये वाला मेरे को दिया गया है, this point is corresponds to 4 and this point is corresponds to -2। बोलो सेट, बोला जी ठीक है। तो हमने कहा साहब टोटल डिस्टेंस पूछी गई, क्या करना है? पहले एक ट्रायंगल 1/2 × 2 × 4, फिर एक रेक्टेंगल दैट इज 1 × 4, फिर एक ट्रायंगल दैट इज 1+। अब देखो ये 3 से 4 1 है और ये आगे वाला 1/3 है, तो ये मतलब 4/3 हो गया, into में 4 कर दिया। बोलो सेट है, बोला जी ठीक। फिर आगे इधर ये वाले डिस्टेंस, ये 1/3 है तो ये 2/3 है, तो एक इस ट्राइंगल का जो बेस हुआ वो तो हो गया 1 + 2/3, दैट इज 5/3, और हाइट होगी 2, तो प्लस में 1 + 1/2 × 5/3 × 2। सोल्व करें, ये गया साहब 4 times, ये प्लस में 4, ये वाला 2 times कैंसिल आउट हुआ, दिस इज 8/3, प्लस में ये 2 times कैंसिल आउट हुआ, दिस इज 5/3। This is 24 plus 8, 32 plus 5, that is 37, divided by 3, मतलब total distance traveled की value जो अपने पास आ रही, that value is coming as 37/3 meter, बोलो set है, so from here, the first one is the correct answer। चलिए सर, आगे बढ़ाते हैं 33 के बाद, next one is question number 34, देखो 34 में क्या बोल रहे हैं, that a particle is projected with velocity v naught along x axis, a damping force is acting on the particle which is proportional to the square of the distance from the origin, और force जो दिया गया ना, वो अपने को दिया गया कुछ ma is equals to minus of alpha x square, ma की value minus alpha x square है। अच्छा question में जो है एक m is equals to 1 kg दिया गया है, वैसे जब ये JEE mains के paper में आया था ना, तो इसका answer match नहीं कर रहा था, हमने option को थोड़ा सा set कर दिया, यहाँ power 1/2 थी वहाँ, जबकि ये power 1/3 रहनी चाहिए थी, बस ये थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन ने सेट कर लिया ऑप्शन, क्या दिक्कत है। डिस्टेंस एट विच द पार्टिकल स्टॉप्स, कि एक पार्टिकल पर रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, इनिशियल वेलोसिटी वी नोट है, मास 1 केजी है, कितने डिस्टेंस के बाद पार्टिकल रुकेगा? तो हमने कहा साहब एक्सीलरेशन की वैल्यू जो है वो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर होगी, क्योंकि मास तो 1 केजी है। अब रिटार्डेशन इसको क्या लिख सकते हैं, बोला जी वी डीवी बाई डीएक्स, एक्स निकालना है, तो हमने कहा एक्स स्क्वायर डीएक्स, this value comes as v by alpha into dv, let's integrate it, मान लो x distance चल कर रहेगा, initial velocity v naught से 0 minus हो रहे, तो इधर वाला data left hand side वाला तो x³/3 और right hand side वाला 1/alpha तो constant है, v का integration v²/2, और limit रखनी है आपको v naught से लेकर 0 तक, और साथ में minus का sign है, तो x³/3 की value जो मेरे पास आ रही है, that is v naught square divided by 2 alpha, तो डिस्टेंस x की वैल्यू कि जिसके बाद बॉडी रुक जाएगी, दैट इज 3 v0² / 2 alpha raised to the power 1/3, सो फ्रॉम हियर थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। बोलो सेट है, चलिए आगे बढ़ते हैं 34 के बाद, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है दैट इंजन ऑफ ए ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पासेस द सिग्नल पोस्ट विद वेलोसिटी u एंड द लास्ट कंपार्टमेंट विद वेलोसिटी। Okay, the velocity with which the middle point of the train passes the signal post is, कि साहब initial velocity जो है वो u है, final velocity जो है वो v है, मतलब कुछ ऐसा कि train uniformly accelerated है, इस particular point को ये u से cross करता है, जब last वाला point cross करता है तो speed v है, तो जब mid point cross कर रहा होगा उस particular instant पर speed क्या? तो पहली चीज तो देखो, बोला मान लो ट्रेन की लेंथ s है, देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली v² = u² + 2a s आया,
हाफ ट्रेन क्रॉस कर गई मतलब कितनी डिस्टेंस, एस बाई टू। तो मैंने कहा वी मिडिल स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में टू ए साथ में एस डिवाइडेड बाई टू, बोलो हाँ की ना, बोले हाँ। अब टू ए एस की वैल्यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, इस वाली इक्वेशन में जैसे ही पुट करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, तो वी मिड स्क्वायर इज इक्वल टू टू यू स्क्वायर प्लस, तो इट इज वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। सोल्व कर लो, तो मिड पॉइंट जब क्रॉस करेगा ना तो उसकी स्पीड मेरे पास अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आएगी। बोलो सेट है। तो सर फ्रॉम हियर द थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। बोलो सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 के बाद, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 36। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, अब नीट के स्टूडेंट यदि आप देख रहे हैं तो प्लीज स्किप इट, अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाए। ठीक है, बिल्कुल करें, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, बिल्कुल बना सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन बहुत फेमस सा हेक्सागन के साथ है भी, जिसका आंसर 6AO आता है, इस वाले ऑक्टागन का 8AO आता है। वैसे आप लोग मैथ्स में बिल्कुल वेक्टर में पढ़ा होगा, चलिए एक दफा अपन भी कर लें। अपने से वैल्यू पूछी गई है, कुछ ऐसी सिचुएशन दी गई है, एक रेगुलर ऑक्टागन है, ये ए ये बी ये सी ये डी ये ई ये एफ ये जी और ये एच। मैंने कहा साहब देखो ए बी प्लस हमारा वेक्टर जो लिखा गया है, एक बार सुंदरता से लिख ले उसको, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ प्लस ए जी। ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ए बी एक ट्राइंगल ले रहा हूं ना, अब यहां जो ट्राइंगल बनाता जाऊंगा उसको मिटाता चलूंगा मैं ना, थोड़ा तो स्पेस चाहिए होगा ना यार। अपन ये कह सकते हैं साहब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ए बी की जगह ए सी माइनस बी सी, दीज टू आर द कंटिन्यूस साइड एंड दिस इज द क्लोजिंग साइड, सो वी कैन राइट इट इज ए सी माइनस में बी सी। अब ए सी पहले से पड़ा हुआ है तो टू ए सी माइनस में बी सी प्लस में ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ एच एस तक जाएगा। बोलो ठीक। अच्छा अब आता हूं मैं एसी के ऊपर, मैं लिख सकता हूं दैट एसी प्लस सीडी इज इक्वल टू एडी, या फिर एडी माइनस में सीडी दैट इज एसी। तो साहब एसी के प्लेस पर टू टाइम्स एडी माइनस में सीडी, तो आगे AD पहले से पड़ा हुआ है तो 3AD माइनस में 2CD माइनस में BC प्लस में AE प्लस AF प्लस AZ प्लस AH आगे तक चलता जाएगा। बोलो ठीक है। अच्छा अब फिर वही मैं AD के साथ जो प्रोसेस किया ना, मैं उसको AE तक लेकर चलूंगा, AE तक लेकर चलूंगा, तो साहब AD तो ऐसा है, DE मेरा ऐसा है और AE ऐसा है, तो मैं कहूं AD प्लस DE is equals to AE, या फिर AD को मैं AE माइनस में DE रख दूं, AE माइनस में DE रखा, AE पहले से है तो ये हो गया 4AE माइनस में 3DE माइनस में 2CD माइनस में BC प्लस में AF प्लस में AG प्लस में AH। मतलब मैं ऐसे घूमता घूमता काट 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 AE तक पहुंच गया। अब मैं क्या करूंगा, इधर से चलूंगा, देखो AF वाला जो टर्म है ना उसको AG के टर्म्स में रिप्लेस करने की कोशिश करूंगा। अब AF वाले टर्म को यदि अपन AG के टर्म्स में रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, AF है अपना ऐसा, AG है अपना ऐसा और साथ में GF है ऐसा, तो मैं AF के प्लेस पर AG प्लस GF रखूंगा। जैसे ही रखूंगा दिस डाटा कम्स एज 4AE माइनस में 3DE माइनस में 2CD माइनस में BC और AF के प्लेस पर मैंने रखा AG और एक AG पहले से है तो 2AG प्लस में GF प्लस में AH। बोलो सेट है। यहां तक हुआ था फैलारा, अब होगा सिमटारा। देखो साहब GF जो है वो BC के इक्वल है, सेम डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड के है, तो ये तो खत्म हो गए खट से। अच्छा फिर AG जो है ना, अब मैं AH के टर्म्स में रिप्लेस करूंगा, जैसे ही AG को AH के टर्म्स में रिप्लेस करूंगा, मेरा AG है यहां, AH है यहां और HG है यहां, A
एच और जी, तो मैं Ag के प्लेस पर रखने वाला हूं Ah plus Hg. जैसे ही आप यहां रखेंगे, दिस वन इज 4Ae माइनस में 3De माइनस में ट्वाइस Cd प्लस में दिस इज 2Ah. Ah पहले से, इट इज 3Ah प्लस में 2Hg. बोलो जी ठीक. अच्छा अब देखो बेटा, Hg और Cd बराबर है, इक्वल वेक्टर, इक्वल मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, तो 2Hg से 2CD गया. अच्छा AH और DE बराबर है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए. तो डाटा मेरे पास सीधा सीधा केवल 4AE के इक्वल बचा. अब 4AE के इक्वल बचा तो AE जो है वो AO प्लस, AO प्लस OE होता है, बोले हाँ, और AO और OE दोनों बराबर हैं, तो AE को लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ AO, सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 8 टाइम्स ऑफ AO. मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 8 AO के इक्वल आएगा. बोलो सेट. अच्छा अब आओ जरा पीछे, देखो AO क्या दे रखा है. AO दे रखा है साहब ये रहा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 16 प्लस 24 माइनस में 32, सो फ्रॉम हियर फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. बोलो सेट. चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को. 36 के बाद नेक्स्ट वन इज 37. देखो 37 में क्या कहा जा रहा है कि एक स्टोन है और उसको टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फॉल किया. स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग when it crosses a point 5 meter below the top. तो फर्स्ट सेकंड में कितना चलता है 5, अगले सेकंड में 15, अगले में 25, याद है 5 15 25, ये एक रेशियो है बहुत फेमस सा. तो कह रहा है कि वो ड्रॉप हुआ 5 मीटर बिलो वाला पॉइंट क्रॉस किया, मतलब कितने सेकंड बाद बात कर रहे हो, 1 सेकंड बाद. अच्छा जी, another stone starts to fall from a point 25 meter below the top. मतलब टॉप से 25 मीटर बिलो से एक स्टोन को छोड़ दिया. And both stone reaches the bottom of a building simultaneously. दोनों साथ में पहुंचे, बिल्डिंग की हाइट क्या है. मतलब मैं ये कहूं कि भाई साहब बिल्डिंग की हाइट यदि h है तो ये तो हुआ h माइनस 25 और ये वाली हाइट है h. यदि इसको टाइम t लगता है तो बेटा जी इसको कितना टाइम लगता है, t प्लस 1 सेकंड. पर 5 मीटर गिरने में टाइम कितना लगा, t प्लस 1. बोलो हां कि ना बोले हां. तो रूट 2h बाई जी जो है वो t प्लस 1 के इक्वल होना चाहिए, h हाइट फॉल करने में टाइम, और 2h बाई जी जो है दैट शुड बी इक्वल टू t टाइम कितनी हाइट फॉल करने में लग रहा है, h माइनस 25. बोलो हाँ कि ना बोले हाँ. अब मूर्ख आदमी जो है वो तो यहाँ डाटा सोल्व करने में लगेगा, समझदार प्राणी फट से ऑप्शन पुट करेगा. आओ जरा देखो, सबसे पहले 45 वाला डाटा ही रखो. So it is 2 into 45, that is 90, 90 divided by 10, that is 9, 9 under root 3. Either wala data 2 into mein, 45 minus 25, that is 20, 20 divided by g is 10. Oh sorry, this one is 5, 1 na yaar. Cancel out hua. This is 2 plus 1, that is also 3. So pehla wala jo answer hai, wahi match kar gaya. Baki rakke dekh lo option, koi bhi option match nahi karega. So for this question, first one is the correct answer. 45 meter ki building ki height hogi. Boliye set hai. Chaliye sir, agle question ki baat karte hai. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38. देखो 38 वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें बच्चे जनरली एक गलती करते हैं, मतलब क्वेश्चन को लेंथी बना देते हैं, आंसर उससे भी आएगा, बट वो क्या करते हैं, y = x tan थीटा - gx² / 2u² cos² थीटा से डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं. करो tan थीटा के लिए बस, बाकी जब भी रेंज और मैक्सिमम हाइट पूछी जाती है ना तो आप कंपैरिजन ना करें. जो मैं तरीका आपको बतला रहा हूं आप उससे बात करें. देखो बेटा जी एंगल के लिए बिल्कुल करना पड़ेगा तो कर लो, जैसे ही कंपैरिजन किया एंगल का फॉर्मूला यही होता है. बोलो सेट है. तो भाई साहब अपने पास पहली चीज जो निकल कर आ गई बोला टेन थीटा अल्फा के इक्वल है, मतलब थीटा जो है वो टेन इनवर्स अल्फा के इक्वल है, मेरा एंगल जो है वो टेन इनवर्स अल्फा के इक्वल है. बोला सही है. फिर बोले कि मैक्सिमम हाइट पूछी जाए तो मैंने कहा रेंज का सोचो. जब बॉडी ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता है ना तो इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हो 0,0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या कहते हो r,0. मतलब जब x कोऑर्डिनेट r के इक्वल है तो y कोऑर्डिनेट होता है 0. रखो जरा वाई इसमें, खट से 0 रखा तो वैल्यू आ गई अल्फा x माइनस में बीटा x स्क्वायर बराबर में 0. तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 0 और एक वैल्यू आई अल्फा अपॉन बीटा. बोले जी ठीक है. मैक्सिमम हाइट कब होती है,
इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है R y 2 0, मतलब जो रेंज आई है उसका हाफ रखो जरा इस इक्वेशन में, तो कैपिटल एच की वैल्यू जो मेरे पास आ रही दैट इज अल्फा, रेंज आई है अल्फा अपॉन बीटा, तो अल्फा बाई टू बीटा, माइनस में बीटा और साथ में अल्फा बाई टू बीटा का होल स्क्वायर, सो दिस वैल्यू इज अल्फा स्क्वायर बाई टू बीटा एंड माइनस में अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर बीटा, तो सर सोल्व करोगे तो वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर बीटा, दिस इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाई द बॉडी, बोलो सेट है, तो फ्रॉम हियर फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, कंपेरिजन करने की जरूरत पड़ी क्या आगे, वरना उलझते मामला बिना मतलब फैलता, सिंपली हो गया, बोलो सेट पक्का, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39, अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 43 सेम कंसेप्ट के बेस्ड क्वेश्चन है, अपन पहले 39 करेंगे उसके बाद वापस लौटकर 43 साथ ही निपटा लेंगे यार, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है उसमें कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन है कि एक स्कूटर है वो पहले एक्सिलरेट होता है रेस्ट से T1 टाइम के लिए और उसका एक्सिलरेशन कॉन्स्टेंट है A1, फिर वो रिटार्ड होता है कॉन्स्टेंट रेट A2 से T2 टाइम के लिए और रेस्ट में आ जाता है, मेरे को T1 बाई T2 का रेशियो बतलाना है ना, मेरी बात को समझना जरा, यदि मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करता हूं ना बॉडी के लिए, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन देन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो ग्राफ आता है कुछ ऐसा, हमें इस टाइम T1 और T2 का रेशियो बतलाना है, देखो बॉडी पहले एक्सिलरेट हुई, मैक्सिमम वेलोसिटी मान लो V0 अटेन की, वी वर्सेस टी डायग्राम ऐसा, मैक्सिमम वेलोसिटी V0 अटेन की, तो पहले यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड है, सोचो बॉडी जब यहां से यहां गई, मान लो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है और यहां से यहां में यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी है 0, इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी है V0 और इस वाले पॉइंट पर है 0, इसमें एक्सिलरेशन है A1, टाइम है T1, इसमें एक्सिलरेशन है A2 और टाइम है रिटार्डेशन है A2 और टाइम है T2, तो मैं इसमें तो इक्वेशन लिखूंगा दैट 0 + A1 T1 = V0 और इसमें इक्वेशन लिखूंगा फाइनल 0 इनिशियल V0 और A2 T2, बोलो हाँ या ना, बोले जी सही है, तो डियर दोनों को जैसे ही कंपेयर किया मेरा A1 T1 जो है वो A2 T2 के इक्वल निकल कर आया जो कि V0 के इक्वल है, सही है, यहां से बेटू T1 / T2 की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है A2 / A1, यही अपने से क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है, तो सेकंड वाला जो आंसर है वो करेक्ट हो गया। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 43 की बात करूं ना, तो बेटा इसमें क्या पूछा गया था कि इस T1 + T2 को टी कह दिया गया, बोले जी ठीक है, A1 को अल्फा कह दिया गया, A2 को बीटा कह दिया गया और टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस की वैल्यू पूछ ली गई, हमने कहा साहब देखो ऐसा, यदि मैं यहां से T1 की वैल्यू लिखना चाहूं तो इट इज A2 / A1 + A2 × T, रेशियो डिवीजन करना आता है ना, और T2 की वैल्यू A1 t / A1 + A2, जैसे ही आप ये वैल्यू इसमें रखते हैं मैक्सिमम स्पीड V0 जो आता है ना, देखो या तो T1 इसमें रख दो या T2 इसमें रख दो, दोनों में ही वैल्यू मैक्सिमम स्पीड आती है A1 A2 t / A1 + A2, रख के देख लो, इसको यहां टिका है A1 A2 t / A1 + A2, इसको यहां टिका है A2 A1 t / A1 + A2, बात तो सेम है, अच्छा टोटल जो ग्राफ का बेस है वो टी है, डिस्टेंस पूछी गई है एरिया अंडर VT कर, दैट इज S = ½ × V0 × d, बोलो हाँ गिना एरिया अंडर द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वैल्यू यहां से जो आई मेरे पास हाफ V0 की वैल्यू है A1 A2 साथ में T, तो T को मल्टीप्लाई किया तो T² डिवाइडेड बाई अपने पास आ गया A1 + A2, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज कमिंग एज A1 A2 t² / 2 × A1 + A2, जिसको मैं हाफ अल्फा बीटा T² / 2 × α + β से भी डिनोट कर सकता हूं, सो इस केस में फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, बोलो सेट है क्या बेटा पक्का, चलो तो फिर आगे बढ़ाते हैं बात को, 39 के बाद नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, देखो भी 40 में क्या कहा जा रहा है, 40 एक अच्छा क्वेश्चन है ना, मतलब ये कहा गया है कि एक बॉडी का वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया गया है बाइसिकल का, एंड वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ एक्सीलरेशन विद डिस्टेंस, एक्सीलरेशन का डिस्टेंस के साथ ग्राफ, देखो बेटा 200 मीटर से 400 मीटर के बीच, वैसे इस ग्राफ में कुछ करेक्शंस थे, हमने करेक्ट करके फिर आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दिया है, ठीक है, मतलब कभी नीचे कमेंट दे रहे हो नहीं सर ये क्वेश्चन तो जेई मेन में तो बोनस था, हमने जिन क्वेश्चंस में जेई मेन में करेक्शंस थे उनको थोड़ा सा प्रॉपर सेट करके
क्वेश्चन फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ चाहिए बाइसिकल का, तो देखो 200 से 400 के बीच जीरो, एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, मतलब इसको गोली मारो इसको गोली मारो, मेरे को जीरो से 200 मीटर के बीच यदि एक्सेलरेशन और ग्राफ डिस्टेंस की इक्वेशन मिल जाती है 0 से 200 के बीच, तो क्वेश्चन सोल्व है, बोलो हाँ कि ना, बोले ठीक है। अच्छा चलिए अपन वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ बना लेते हैं। पहले ग्राफ है कुछ न्यू, ये पॉइंट है 200, दिस पॉइंट इज 2, ये वाला पॉइंट है 50, दिस इज v वर्सेस x। तो मैंने कहा यहां से v की इक्वेशन जो मेरे पास आ रही है 2 प्लस दिस वन इज 10, 2 प्लस स्लोप कितनी है 40/200, दैट इज 1/5 इनटू में x, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला लगाया, इंटरसेप्ट तो हो गया 10, ये आएगा सब, स्लोप हो गई वेलोसिटी में इंक्रीमेंट 40 का, डिस्टेंस 200, तो 40/200 दैट इज 1/5 इनटू x, तो साहब dv/dx जो मेरे पास आया दैट इज 1/5। तो बेटा जी एक्सीलरेशन क्या होता है, सर सीधा सा फॉर्मूला एक्सीलरेशन का, v dv/dx होता है ना, अब v कितना है, v तो ये रहा 10 प्लस x बाई 5 और dv/dx दैट इज 1/5, तो ये वाली वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट इज 50 प्लस में x बाई सॉरी 10 बाई 5 दैट इज 2 प्लस में x बाई 25, बोलो ठीक है क्या। अच्छा तो जैसे ही x की जगह भाई ग्राफ लीनियर आएगा, इंटरसेप्ट 2 है, स्लोप 1/25 है, जैसे ही मैंने x की जगह 0 रखा एक्सीलरेशन 2 और x की जगह 200 रखा तो एक्सीलरेशन आ गया 200/25 दैट इज 8, 8 प्लस 2 दैट इज 10, सो 2 से 10, ये वाला पॉइंट है 200 और ये वाला पॉइंट है 400, दिस इज द ग्राफ बिटवीन एक्सीलरेशन वर्सेस पोजीशन, बोलो सेट पक्का। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं बात को, 40 में करेक्ट आंसर की बात करेंगे ना यदि अपन, तो डियर इसमें इसके आगे कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसके बाद ये 200 से 400 में ये वाला फर्स्ट वाला जो आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहा जा रहा है कि एक मॉस्किटो की वेलोसिटी की इक्वेशन दी गई है, दैट इज 0.5 टी स्क्वायर प्लस 3 टी जे कैप प्लस 9 के कैप, और वो यूनिफॉर्म कंडीशंस में एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो 2 सेकंड के बाद, इसमें भी कुछ करेक्शंस किए हैं हमने, एक्चुअली में क्या है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग वो पोजीशन के साथ पूछना चाह रहे थे, मतलब ये पोजीशन के साथ पूछना चाह रहे थे पर मामला गड़बड़ हो गया, ठीक। अच्छा तो अपने को ये कहा गया है कि साहब फर्स्ट ऑप्शन आंसर सेट करके ही दिया है हमने आपको कि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो ऐसे दी गई है और 2 सेकंड के बाद वो उसके मोशन की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर होगी या वाई एक्सिस से कितने एंगल पर होगी। मैं कहूं तो एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है ना या वाई एक्सिस से एंगल या जेड एक्सिस से एंगल किसी भी वेक्टर का वो एंगल दिया जाता है बिटू कोस थीटा इज ए एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर डायरेक्शन कोसाइंस। कोस अल्फा बोलते हैं इसको, बोलते हैं कोस बीटा दैट इज ए वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और कोस गामा जो बोलते हैं ना दैट इज ए जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, बोलो सेट है, ठीक है। पहले तो वेलोसिटी ले लेते हैं, बॉडी की वेलोसिटी है 0.5 टी स्क्वायर प्लस में 3 टी जे कैप प्लस 9 के कैप, तो मैंने कहा t is equals to 2 सेकंड पर वेलोसिटी जो आई 0.5 into 4 that is 2 i cap प्लस में 6 j cap प्लस में 9 k cap, ये वेलोसिटी आ गई साहब, बोले जी ठीक है। अब x एक्सिस से एंगल निकाले तो भाई साहब cos alpha जो आएगा that is 2 upon में under root of this value is 81 प्लस 36 प्लस में 40, तो 81 प्लस 40 दैट इज 121। देखो ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें बेस है 2 और हाइपोटेनस है रूट 121, तो परपेंडिकुलर 10 अल्फा बतलाना चाहेंगे तो भाई साहब 10 अल्फा आएगा अंडर रूट 117 डिवाइडेड बाई 2,
इतना एंगल एक्स एक्सिस से उसकी वेलोसिटी बना रही होगी। सो इसके अकॉर्डिंग अपन अपने आंसर्स की बात कर रहा हूं मैं, जो हमने सेट करके रखा है डाटा, उसके अकॉर्डिंग सेकंड जो आंसर आएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप चाहें तो किसी भी एक्सिस से किसी भी टाइम पर डायरेक्शन निकाल सकते हैं। बोलो ठीक है। अच्छा जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 42 में कहा गया है दैट अ स्विमर कैन स्विम विद वेलोसिटी 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ओके, वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर हैज अ वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर आवर डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वाटर। He should swim in order to reach the other, just other point पहुंचना है, opposite other point पे। Starting angle कितना होना चाहिए? तो I think बहुत आसान सा question है। ये 12 है, ये 6 है, ये angle theta, तो साहब 12 sin theta 6 के equal होता है, तो sin theta 1/2, तो theta 30 degree, तो ये total angle जो मेरे पास निकल कर आया, ये total angle निकल कर आ गया बिट्टू 120 degree पर जाना। बोलो सेट है क्या सर? पक्का? मैंने कहा था ना, देखो इस वाले क्वेश्चन में लगभग टाइम आंसर 120 आता है। पहले भी अपन ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी भी डायरेक्टली सेम कंसेप्ट पर, बस डाटा चेंज है क्वेश्चन में। बोलो ठीक। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 42 के बाद 43 अपन कर चुके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है कि द पोजिशन वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन ऑफ ए पार्टिकल विद टाइम मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड। मतलब एक बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूविंग है, तो ये भी ये भी ये भी ये भी सारे करेक्ट है। वेलोसिटी में भी इंक्रीजिंग, वेलोसिटी में भी डिक्रीजिंग, मतलब लेकिन वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है ना, v इज इक्वल टू यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में या तो u प्लस 80 लिखते हैं या u माइनस 80 लिखते हैं, नहीं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा टाइम के साथ। स्ट्रेट लाइन होगा तो भाई साहब ये तो वैसे ही सही हो गया, नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। बोले जी ठीक। अब सुनना जरा बात को, यदि वेलोसिटी पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी, इसमें भी इनिशियल पॉजिटिव है, इनिशियल पॉजिटिव है, इनिशियल पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, बोले एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी कि डिक्रीजिंग? बोला इंक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग वाले ग्राफ को सही कर दो, ये नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर पोजिशन की बात की गई है, तो पोजिशन होती है यूटी प्लस, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ग्राफ विल बी ए पैराबोलिक ग्राफ। इसमें ग्राफ दिया गया स्ट्रेट लाइन, तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। तो डियर, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। देखो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन पे ग्राफ से रिलेटेड और इक्वेशन से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोलो ठीक है। तो चलिए सर, फर्स्ट आंसर करेक्ट आ गया। अच्छा एक है ना, जब जेई के इन पेपर्स का एनालिसिस आया था और एक अभ्यास ऐप का भी जब एनालिसिस आया था, तो जनरली यही मिला था कि स्टूडेंट्स जल्दीबाजी के चक्कर में, पेपर में ये रिजल्ट पब्लिश भी किया गया था कि काइनेमेटिक्स में सिंपल क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स से बहुत ज्यादा एरर हो रही है, कि जल्दी के चक्कर में ना मामला गड़बड़ हो जाता है। आराम से कर लो यार, टाइम तो वैसे देखो एक मिनट लग रहा है, तुम डेढ़ लगा दोगे तो कोई बड़ी मुद्दे वाली बात नहीं है। बोलो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 के बाद नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 45। देखो वही 120 वाला कांसेप्ट सेम टू सेम रिपीट हुआ है और सेम ईयर में, एक दो पेपर्स में हो गया। क्वेश्चन में कहा गया दैट ए पर्सन इज स्विमिंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 120 डिग्री विद द फ्लो एंड रीचेस एट अ पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, देन स्पीड ऑफ द फ्लो इज x मीटर पर सेकंड, वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर। सिंपल सा देखो, वो कह रहा है यहां से 120 पर, मतलब इधर से 30 पर, ये 10, तो इधर हुआ 10 sin 30 और ये x के इक्वल होना चाहिए, मतलब भाई साहब मेरे x की वैल्यू जो आ रही है, that value is coming as 5. Bolo set. Achha. Chaliye aage badhte hain. 45 ke baad next one is question number 46. Ye question IIT JEE mein aaya hua hai pehle aur NEET ke isme JEE mains ke exam mein exactly repeat hua hai. Graphical question hai. Chaliye samajhte hain pehle. Simple sa hai, waise typical nahi hai ki ek body ka velocity versus time graph apne ko diya gaya hai aur acceleration वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया गया है और एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पूछा गया है। तो मैंने कहा साहब देखो ऐसा इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना चाहूं, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट एक्स नोट है और वाई एक्सिस पर वी नोट है, तो वी बाई वी नोट प्लस एक्स बाई एक्स नोट, दैट वैल्यू इज कमिंग एज 1, तो वेलोसिटी जो आई दैट इज वी नोट 1 माइनस एक्स बाई एक्स नोट, ये इधर आया वी नोट, इधर मल्टीप्लाई हो गया,
तो v की वैल्यू आई मेरे पास v नोट 1 माइनस x बाई x नोट। एक्सीलरेशन चाहिए पोजीशन की टर्म्स में, तो अपन इसको इस इक्वेशन v dv बाई dx से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो जरा dv बाई dx निकालते हैं, पहले v को थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं ना कि साहब v की वैल्यू v नोट माइनस v नोट बाई x नोट इनटू x। dv बाई dx की बात की तो इट इज माइनस v नोट बाई x नोट, तो एक्सीलरेशन v dv बाई dx से देना है। a comes as v की वैल्यू v नोट माइनस v नोट x बाई x नोट, साथ में माइनस v नोट बाई x नोट। तो देखो बेटू यहां से वैल्यू जो आ रही है माइनस v नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई x नोट प्लस में v नोट बाई x नोट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद x। दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। बोलो हाँ या ना, सिंपल है? बोले हाँ। तो a और x के बीच ग्राफ लीनियर रिलेशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। इंटरसेप्ट है नेगेटिव भाई साहब, और स्लोप है पॉजिटिव। तो यहां से देखें इंटरसेप्ट नेगेटिव, ये हो सकता है ये, इसमें स्लोप है जीरो, इसमें स्लोप है पॉजिटिव। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। बोलो सेट पक्का? चलो तो आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन अपना कुछ ऐसा है कि एक पार्टिकल है, ए प्रोजेक्टाइल, द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 5 केजी इज शोन इन द डायग्राम। ओके, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 5√2 मीटर पर सेकंड एंड द एयर रेजिस्टेंस इज अज्यूम्ड टू बी नेग्लिजिबल। The magnitude of change in the momentum between the point A and B is x into 10 की पावर माइनस 2. The value of x to the nearest integer is. ये कह रहा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई अपन ने किसी बॉडी को यहां से मान लो थीटा एंगल पर फेंकते हैं, तो स्ट्राइकिंग के टाइम उसकी इधर वाली वेलोसिटी होती है u cos थीटा और इधर वाली होती है u sin। प्रोजेक्शन के टाइम ये u cos थीटा और ये u sin थीटा। बोलो सेट है क्या? बोले जी ठीक है। तो वेलोसिटी में जो चेंज है मैग्नीट्यूड उसका, वो है साहब 2u sin थीटा का। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो वेक्टर फॉर्म में लिख लो, m into u cos थीटा इक्वल्स u sin थीटा जी कैप, और फाइनल हो गया m into u cos थीटा इक्वल्स माइनस u sin थीटा जी कैप। माइनस किया तो p फाइनल माइनस p इनिशियल दैट इज माइनस 2mu sin थीटा जी कैप। मैग्नीट्यूड तो इतना ही। अच्छा जी, वैल्यू रखते हैं जरा। तू मास दे रखा है 5 × 10⁻³, 5 ग्राम है ना। इनिशियल स्पीड दे रखी है 5√2 और साइन थीटा दे रखा है थीटा 45, तो 1/√2, रूट टू से रूट टू गया। ये वाला डाटा मेरे पास निकल कर आया 2 × 5 दैट इज 10, 10 × 10⁻³ दैट इज 10⁻², इंटू में 5। और हमारे क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू कुछ इस प्रकार से दी गई थी कि दैट इट इज x इंटू 10⁻²। तो अपन यदि कंपेयर करेंगे डियर, तो x की वैल्यू जो मेरे पास इस क्वेश्चन में सोल्व होकर आएगी, That value comes as 5. Clear है क्या बेटा जी? Okay dear, तो इस session में हमारी तरफ से इतना ही। Total हमने वैसे 16 lectures इसके लिए prepare किए हैं, जो आपके पास 1 by 1 आते जाएंगे। Topics के according questions को divide किया गया है। 2019 से लेकर 2021 Feb और March attempt में जितने भी questions हो चुके हैं, chapter revision में बहुत ज़्यादा helpful रहेंगे। तो आपको ये questions नो डाउट बनाने भी चाहिए। चलिए ठीक है डियर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।